अगर नहीं मानेगा ना तो ये बॉटल फेंक के मारूंगा। ओ जाने वाली, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। तुम जरा दोस्त से पीछे जाओ ना। 1 2 चलो, इसकी जान तो बच गई। वैसे कोई सिम्टम दिखा क्या? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे जीजू के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरे जीजू वैसे इंसान नहीं है। वैसे एक बात बताओ, ये सुबह सुबह इतना एक्सपोज क्यों करती हो? हमारी जब शादी हो जाएगी ना, उसके बाद ये योगा वोगा नहीं चलेगा। ओके ए, चलो घर जाओ, पिक्चर खत्म हो गई। पता नहीं सुबह दोबारा कब होगी। हेलो हेलो, ए अरे क्या क्या हुआ तुझे? कब से देख रही हो? क्या कर रही है सुबह से? हाँ वो कॉलेज जल्दी जाना है दीदी। नहीं, प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मैं लेट हो गई तो क्लास से बाहर निकाल देंगी। अरे लगता है इसे कुछ हो गया है। प्यार होने पर पूरी दुनिया हमें बिल्कुल नई सी लगती है। हमारे फ्रेंड्स फैमिली फेड आउट होते रहते हैं। कोई हमें बुलाता है तब भी हमें लवर का नाम ही सुनाई देता है। खाना खाते हुए प्लेट में उसका ही नाम लिखने लगते हैं। आईने में जिससे प्यार करते हैं उसकी शक्ल दिखने लगती है। वंदना वंदना, व्हाट एम आई टीचिंग? सिम्टम्स ऑफ लव। व्हाट? सॉरी। गेट आउट। सॉरी। बाहर जाओ, मैंने कहा ना बाहर जाओ। हेलो, वैसे क्या सोचा तुमने? तुम बस नाम के लिए लड़की हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। अच्छा कोई सिम्टम दिखाई दिए? मेरी जीजू में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा, वैसे मैं पूरी तरह से यहीं पे हूँ लेकिन माइंड आउट ऑफ कवरेज है। अरे सुबह की चाय मेरी ठंडी हो गई, रिमोट को मैं फोन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरे करने कुछ और जाता हूँ लेकिन हो कुछ और ही जा रहा है, सच कह रहा हूँ। वंदना मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में डूब गया हूँ। इस मामले में मैं अपनी यंग जनरेशन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें लड़की पसंद आए और तुम उसके पीछे घूमो और वो तुम्हें मना कर दे तो उस सदमे से बाहर आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ओनली 1 वीक हो गया तो ठीक, वरना दूसरी स्ट्रीट। क्या बात है भाई, तू तो लव गुरु बन गया है। हेलो हेलो अंकल, अभी का दोस्त बात कर रहा हूँ, अभी वो रूम में नहीं है, शायद वो किसी। बेटा अभी की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है, जरा जल्दी उसे फोन देना प्लीज। हॉस्पिटल में अभी को देखा है क्या? नहीं भाई, अभी को देखा है क्या? जी। अभी अभी भाई तेरी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है, पापा इज ऑनलाइन। उसे क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं हुआ, तू जल्दी से आ जा। अंकल वंदना को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कह रहा हूँ ना, तू जल्दी से हैदराबाद आ जा। अगर कुछ नहीं हुआ है तो हॉस्पिटल में एडमिट क्यों है? तू टेंशन मत ले, हम सब हॉस्पिटल में ही है, तू
जल्दी से आ जा। अंकल को इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा। समथिंग इज रॉन्ग। चंदूसन, एयरपोर्ट के लिए कैब बुक कर। हाँ ओके। क्या हुआ? ओपन हो रहा है यार। मिला क्या? ओपन हो रहा है यार, जल्दी करना यार। चंदू, कैब का क्या हुआ? हाँ एक मिनट, डू इट फास्ट यार। कैब इज रेडी। यस, सिर्फ दो घंटा बाकी। ओके ओके, ओनली टू आवर्स, लेट्स गो। लेट्स गो गाइस, फास्ट। ओए अभी तो अपना ध्यान रखना यार, नथिंग टू वरी। ओके ओके, थैंक यू, कॉल करना। भाई थोड़ा जल्दी चलो ना। हाँ हेलो अर्जुन। अर्जुन, वंदना को कुछ हुआ है यार, तू अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना यार, प्लीज यार। थैंक्स यार। फ्लाइट पकड़नी है यार, कितनी बार बोलूं, थोड़ा जल्दी करो ना यार। आप चलाइए साहब, आप चलाइए ना, मैं बैठता हूँ पीछे आकर। भाई ऐसी बात नहीं है, सॉरी, वो गर्लफ्रेंड को लेके थोड़ा टेंशन में हूँ यार, प्लीज अंडरस्टैंड यार। अच्छा, गर्लफ्रेंड को लेके परेशान हो साहब, अब देखो मेरी ड्राइविंग। वेलकम सर। गुड इवनिंग। या सॉरी सर, यू आर रनिंग आफ्टर टाइम। डिजिटल टाइम नाउ, कैन यू चेक? नो सर, टाइम फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट। हैदराबाद की नेक्स्ट फ्लाइट कब? वन मिनट सर, विद इन टू आवर्स यू हैव फ्लाइट टू हैदराबाद। गिव मी चेक अबाउट इट प्लीज। सॉरी सर, सीट्स आर नॉट अवेलेबल, इट्स पॉसिबल बट टुमारो मॉर्निंग। इट्स एन इमरजेंसी मैम, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? प्लीज मैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, नो सीट्स आर अवेलेबल सर, आई कांट हेल्प यू सर, प्लीज वन टिकट आई एम आस्किंग सर, प्लीज। सर एकदम राइट टाइम पे आ गए सर। अरे यार राइट टाइम नहीं, बिल्कुल बैड टाइम है यार। बैड टाइम कैसे सर? बैड टाइम नहीं तो फिर क्या है ये? आज से 10 साल पहले जान ले लूंगा नाम की सुपर हिट फिल्म बनाई थी मैंने, तब से लेके आज तक मेरी सारी फिल्में सुपर फ्लॉप हो गई हैं। हेलो, आप जान ले लूंगा की डायरेक्टर है ना, ये कह के मेरी जान ले लेते हैं। अच्छा तो फिर वो 6 साल पहले कौन सी फिल्म आई थी सर? बंद कर दूंगा, बड़ी अच्छी चली थी सर। प्रोड्यूसर ने फोन करके बोला तेरा अंत कर दूंगा, तो मुझे जाके अंडमान में छुपना पड़ा था। तो फिर वो 5 साल पहले नटराजा बनाई थी, अरे वो भी डूब गई। फिर वो 3 साल पहले मूड हुआ तो चुम्मा दूंगा, उसका क्या? अरे वो तो रिलीज ही नहीं हो पाई भाई। अच्छा, रिलीज हुए बिना ही राइट छुपा दी? अरे सर, आप अंत कर दूंगा के राइटर है ना? देखा, याद दिलाकर जान खा रहा है मेरी। देखा आपने सर, कुछ भी हो आप सेलिब्रिटी हो सर। अरे काहे के सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी का मतलब बगल में खड़े रह के ऐसे मुंह निकाल के सेल्फी लेने का मतलब सेलिब्रिटी है। आजकल तो नई सेल्फी लेने वालों को सेलिब्रिटी माना ही नहीं जाता। डोंट वरी सर, परसों ही मैंने एक अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, मेरी गारंटी है कि फिल्म हिट होगी सर। वन सेकंड प्लीज मूव। मैडम अगर कोई कैंसिलेशन होगा तो प्लीज देखिए ना मैडम। नो सर, बस एक कैंसिलेशन, बस एक कैंसिलेशन। नो सर, प्लीज मैम देखिए ना, बस एक टिकट चाहिए मुझे। सॉरी सर, सीट्स आर नॉट अवेलेबल। जस्ट चेक वंस प्लीज, आई हैव टू गो राइट नाउ, प्लीज। व्हाई कांट आई कैन अंडरस्टैंड सर, बट आई कांट वेट टिल टुमारो। राजा प्लीज कम हियर। क्या हुआ, तुम्हारी लवर ने कॉल किया? सर एक्चुअली वो मेरा पहला प्यार। अच्छा। वो हॉस्पिटल में है और मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं सर। अर्जेंटली हैदराबाद जाना है सर, किसी भी कीमत पे मुझे आज ही जाना है। मैं तुम्हें फ्लाइट की टिकट दिलवा सकता हूँ, बट ऑन वन कंडीशन। बताइए ना सर। तुम्हें अपनी पूरी लव स्टोरी मुझे सुनानी होगी। सर सुनाऊंगा ना पूरी लव स्टोरी, क्या क्या खाया क्या पिया, और लास्ट में सोने तक भी बताऊंगा सर। सर हमारे पास दो टिकट है जिसमें हम दोनों जा रहे हैं, वो लड़का कैसे आएगा सर बताओ? तुम्हारी टिकट कैंसिल करके इस लड़के को दे दूंगा मैं, क्योंकि भाई चावल पूरी कहानियों को, पानी पूरी कहानियों को, एकदम बकवास कहानियों को मुझे देकर एक टॉप डायरेक्टर को फ्लॉप डायरेक्टर बना दिया है। अब बनेगी फ्रेश लव स्टोरी, बाय और हाय। तुम आओ मेरे साथ। थैंक यू सो मच। राजा, आई एम राज, मूवी डायरेक्टर। अभी अभी ना, टाइम ज्यादा नहीं है, तो क्या तुम अपनी लव स्टोरी शुरू करोगे भाई? ऑफ कोर्स तुम्हारा मूड ऑफ है और मैं एक फ्लॉप डायरेक्टर हूं, तुम्हारी लवर को कुछ भी नहीं होगा राजा, तुम हिम्मत मत हारो।
शुरू करें क्या? राजा, फर्स्ट टाइम तुमने अपनी लवर को कहां पर देखा था ये बताओ। उस दिन मैं कॉलेज जा रहा था। हाँ, मैं बाइक से था। ओए राजा, ओए राजा, ये तुम्हारा ग्रैंड एंट्री सीन है। चार हेलीकॉप्टर ऊपर से डक 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 करते हुए नीचे उतरेंगे, अचाक, और नीचे से 70 फीट की क्रेन खचाक 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 करके ऊपर जाएगी और तुम्हें कैप्चर कर लेगी राजा। नेक्स्ट सीन बताओ ना। कॉलेज के सामने बहुत सारी लड़कियां धरने पे बैठी थी। अरे अरे राजा राजा, अभी ऐसा करेंगे कि ट्रैक और ट्रॉली रखेंगे, तुम्हारे पांडव से कैमरा जाएगा और लड़कियों के पांडव से तुम्हारे ऊपर। नेक्स्ट सीन। सर, अगर आप ऐसे ही डिस्टर्ब करेंगे तो मैं सुना नहीं पाऊंगा। ओ ठीक है ठीक है ठीक, ओके 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 राजा, अब जब तक तुम नहीं रुकोगे मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। एक्शन। एक्सक्यूज मी, जरा साइड देंगी क्या? अंदर एक छोटा सा काम है, वही करने जा रहा हूँ। साइड क्यों दे, चाहिए तो ये पकड़ के साथ में स्लोगन बोलो। मैंने कहा ना, मैं काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मुझे बैक साइड से जाना पड़ेगा। तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए, क्या तुम्हारे अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? इतना तो बाइक में पेट्रोल भी नहीं। अरे यार, उससे बात क्यों कर रही है? प्रिंसिपल, हाय हाय, अरे प्रिंसिपल पीछे के दरवाजे से भाग रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो। अरे अरे जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं आ रही हैं। चलो हटो, अगर साइड नहीं दिया ना तो गाड़ी चढ़ा दूंगा। हेलो, साइड दिए जमाना हो गया, अब चलो जाओ भी। कहाँ जाऊँ मैं और क्यों जाऊँ? आप लोग समाज सुधारक की तरह संघर्ष कर रही हैं, और फिर मुझ में भी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी आप लोग के साथ हूँ। दीदी दीजिए मुझे प्रिंसिपल। हाय हाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, वाओ प्रिंसिपल 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 प्रिंसिपल, हे प्रिंसिपल, डाउन डाउन, ओए प्रिंसिपल, डाउन डाउन। क्यों नारे लगा रहे हो? इन लड़कियों पे अन्याय हो रहा है इसलिए। और ये लड़कियां कहाँ पे हैं? ये सामने। अब वैसे आप कौन है? उनका प्रिंसिपल हूँ। ओह, जरा इसे पकड़ेंगे आप, एक मिनट सर। प्रिंसिपल, हाय हाय प्रिंसिपल, हाय हाय प्रिंसिपल। इस लड़की के बारे में गूगल करके कौन बताएगा मुझे? इससे पूछूंगा तो किसी पॉलिटिशियन के बारे में बताएगा। नहीं, डिलीट। इसका तो व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस ही नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा, शायद दुनिया ना छोड़ दिया हो। डिलीट। अर्जुन हूँ मैं, स्टूडेंट लीडर, नेक्स्ट एमएलए हूँ मैं। प्रोटोकॉल के बिना मुझे यहाँ ऐसे फोन से क्यों बुलाया? हाँ बोलो, क्या हुआ? हे अर्जुन, मुझे प्यार हो गया यार। हे अभी, मैं पहले ही बता रहा हूँ तू किताबी कीड़ा है, ये सब कुछ तेरे से होने वाला नहीं है। ये जो तेरी कमिटमेंट है ना, अभी वापस ले ले, ऐसा बोलकर समझाऊंगा तो भी समझेगा नहीं, इसलिए कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, तू इस कॉलेज की लड़कियों को जानता है ना? अर्जुन, स्टूडेंट लीडर, नेक्स्ट एमएलए बनने वाला हूँ, पता है ना, किसी के भी बारे में पता चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा। वैसे लड़की दिखती कैसी है? 10 साल पहले की ऐश्वर्या की तरह, 15 साल पहले की माधुरी की तरह, और 20 साल पहले की श्रीदेवी जैसी है यार। इतने फीचर वाली स्मार्ट पीस इस कॉलेज में एक ही है, वो है स्पंदना। वंदना। बेटा तू इतना खुश मत हो, वो लड़की आसानी से नहीं पटने वाली। उसके बारे में मुझे बताना यार। हाइट 5.4, वेट 54, और बता दूं तू चौथे नंबर पे है। हाँ? मेरा नंबर है 4, मतलब
मतलब अड़ोस वाला है, पड़ोस वाला है, बैचमेट है, क्लासमेट है, तू अकेला इंसान नहीं है जो इसके पीछे पड़ा है। वैसे तू मेरा दोस्त है इसलिए मैंने चार ही बताया तुझे। खैर छोड़, ये बताओ वो तीन कौन है? नंबर एक उसके एरिया का न्यूज़पेपर वाला, नंबर दो स्पंदना का क्लासमेट, छठी क्लास से उसके साथ है। तीसरा कॉर्पोरेटर का कजिन, भैया भाभी आ गई। अंकल एक थम्स अप। भैया भाभी जा रही है। तुम्हारी भाभी, आई लव यू। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं किसी लड़की का वेट कर रहा था, लड़की को पटाने के लिए किसी पार्क में, किसी बस स्टॉप पे, जहाँ देखो वहाँ सब वेट क्यों करते रहते हैं। ये सब मुझे अब समझ में आ रहा है। इट्स अ क्रेजी क्रेजी। अरे मैं किधर देख रहा हूँ, दूसरी जगह पे भी पेपर डालना है। इसे दिल की बात बता के रहूंगा। बॉडी में कट्स वगैरह दिख रहे हैं ना? क्या बात कर रहे हो भाई, एकदम स्टील की जैसी बॉडी है। एकदम स्टील की तरह है भाई। स्टील की तरह नहीं है, उस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना, तब से स्टील फिट किया डॉक्टर ने। भाई स्टील लग रहा है। ओए लग क्या इतने में भैया। हाँ। भाभी को इंतजार करा रहा है। ए क्या रे, भाभी को इंतजार करवाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आपकी भाभी है क्या? भैया ये तो आपकी टांग खींच रहा है। अबे मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी है समझा, कट्टे महसू कॉर्पोरेटर का भाई। भाई भाई भाई, भाभी जा रही है भाई। अरे भाभी, अबे ये कौन है भाई? मेरा पैर फंस गया भाई। दोबारा स्टील फिट करा देंगे। एक बटर मिल्क। कैसे बात करूं, कैसे बात करूं? भाई मुझे एक चॉकलेट देना। मुझसे क्या बात करनी है भाई? आप मुझे जानते हो क्या? चली गई। यार अर्जुन ये कैसा कॉम्पिटिशन है यार, घर के पास एक, रास्ते में एक, कॉलेज में एक, अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को नहीं, लगता है गवर्नर को फॉलो कर रहा हूँ। इस ट्रैफिक जाम को अर्जेंटली क्लियर करना होगा। अर्जुन स्टूडेंट लीडर, नेक्स्ट एमएलए मैं ही हूँ। इन तीनों के साथ मेरी मीटिंग अरेंज कर। मैं मीटिंग अरेंज करता हूँ, तू अपनी रेटिंग बढ़ा। ए अभी अभी तेरी पोजीशन ये है, उनसे सेटलमेंट होने के बाद भी तुझे इस पोजीशन पे आना होगा, समझा? सात माला चढ़ने में तेल निकल गया। क्यों भाई क्यों बुलाया है? अभी तक बिल्डिंग पूरी नहीं बनी और पेपर वाले को अभी बुला लिया। आनो, है? बैठ के बात करते। एक बात बता, सब जगह तू रैली में जैसे पत्थर फेंकते हैं वैसे पेपर फेंकता है। हाँ। लेकिन वंदना के यहाँ ऐसे जाके पेपर देता है जैसे देवी को आरती दिखा रहा हो। क्या वंदना, ये वंदना कौन है भाई? अबे नाम जाने बिना तू पेपर डाल सकता है लेकिन प्यार कैसे कर सकता है? अच्छा मेरी बात सुन, किसी फूल या दूध बेचने वाली को या मंदिर के बाहर नारियल बेचने वाली को पटा करके शादी कर ले तो फिर वो वंदना? इसका पेपर फाड़ना ही पड़ेगा। ए अर्जुन लेट्स गो। ओके
कितनी डस्ट है यहाँ पे। सुना है तू सिक्स क्लास से लव कर रहा है? हाँ जी। अबे सिक्स में लव कौन करता है? ये ना लव करने की एज होती है ना स्टेज होती है। लेकिन टेंथ क्लास में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन तूने तो ट्वेल्थ में भी उसे नहीं बताया। इंजीनियरिंग कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं बताया, और तो और फाइनल ईयर में भी नहीं बताया। इतने साल इस तरह से पीछे घूमने वाले को लवर नहीं ब्रदर कहते हैं। ब्रदर? हाँ। यस। इतने साल पीछे घूमने के बाद कभी तेरी बाइक पे पीछे बैठी क्या वो, जरा बता मुझे। नहीं भाई नहीं, बात तो सही है। उसके लिए तो मैं बिना सैलरी वाला सर्वेंट हूँ। स्टडी मटेरियल चाहिए या स्कूटर पंचर करने वाला, उसके लिए तो मैं सर्वेंट हूँ ना। सर्वेंट हूँ ना भाई। समझ रहा हूँ मेरे भाई, अगर लवर बनती है तो चॉकलेट देना, नहीं तो फालतू में पैसे क्यों वेस्ट करना। नहीं भाई, किसी न किसी दिन मैं उसको मना ही लूंगा। अबे मैं भी तो तुझे आज मना ही रहा हूँ ना। कैसे? ऐसे। क्या रे, ये बिल्डिंग खाली करवा के अपन को धमकाने के लिए बुलाया क्या? यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? भाई आप यहीं पे रहो, हम ऊपर जाके मैटर खत्म करके आते हैं। अब सुन, ग्राउंड फ्लोर पे तुम लोग देखो, टॉप फ्लोर पे अपन मैटर देख के आता है, समझा क्या? लव यू। अरे किसने बुलाया रे अपन को? मैंने ही बुलाया है रे। अरे डराने वाले को डराता है? मैंने आपको बुलाया भाई, आइए ना बैठ के बात करते हैं। अब अपन बैठ के बात नहीं करता, समझा ना तेरी। क्या कर रहे हैं, मारा मारी करेंगे ना, लेकिन कॉमेडी करते हुए मारा मारी करेंगे। अब कॉमेडी हो या सीरियसली, जब अपन फ्लोर पे उतरेगा ना तो फिर फ्लोर कांपेगा हिलेगा, समझा क्या? ग्राउंड को हिलाने के लिए साउंड चाहिए, साउंड साउंड। प्रेक्षकों की फरमाइश पर एक बार फिर से स्टाइल से चलूं, गदर मचे जहां चलूं, भेद छुपे निकालूं, जिस पे नजर मैं डालूं, जब भी मैं बोलूं सच ही बोलूं, भेद सभी के दिल के खोलूं, चाहो तो हंगामा मचा दूं, चाहो तो होश मैं उड़ा दूं, फ्री में ही सीने। कल ही बेबी जी से मिलके मैटर पोस्ट करता हूँ। कॉलेज कब छूटेगा? 1 बजे। हाय वंदना, लगता है मुझे पहचानो नहीं। अरे वो दिन स्कूल के सामने प्रिंसिपल डाउन डाउन करके धरना दे रहा था ना, वैसे तुम्हें कौन नहीं पहचानता, तुम्हें तो 100 लोगों के बीच में भी लोग पहचान लेते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता होता है कि तुम्हें कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। मैं भी आसपास ही रहता हूँ, तुमने कभी देखा जरूर होगा। अगर मैं कहूँ कि आपको देखा तो क्या, 4 दिन की फ्रेंडशिप के बाद 5वें दिन आकर आई लव यू कहोगे? मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, 4 दिन तक वेट नहीं करूंगा, अभी कहूंगा आई लव यू। तुम मुझे बहुत पसंद हो और खूबसूरत भी हो, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो हमारे पेरेंट्स को मिला देते हैं और डेट फिक्स करते हैं। हे हेलो, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो एक बार पीछे पलटना। ए वो तो जा रही है, सच में पलटेगी क्या? नहीं पलटी। ले भाई चली गई तेरी स्पंदना, अब क्या करेगा? प्यार करूंगा। पेपर आज का है क्या? नहीं कल का है। तेरी तो ना भाई, मुझे जरा उस तरफ जाना है। थैंक यू अंकल, जरा इस तरफ आएंगे? किस लिए? मुझे उस लड़की से बात करनी है। अरे इधर क्या बात करेगा, कहीं पार्क में ले जाकर बात कर, सेटिंग हो जाएगी तो सीधे घर ले जाऊंगा ना। तो फिर तुमने क्या सोचा हमारे बारे में? हमारे बारे में क्या सोचना था? हमारे प्यार के बारे में। मेरे बारे में क्या जानते हो जो मुझसे प्यार करते हो? सब पता करने के बाद प्यार नहीं करते, जब पता ना हो तभी प्यार होता है। तुम्हें लगता है कि इस तरह की बातें करने से लड़कियां पट जाती हैं? पटाने तक सिर्फ इस तरह की बातें करूंगा, उसके बाद एकदम नॉर्मल। ए भाई सारी बातें वन साइडेड ही कर रहा है, तू कोई राधे भैया है क्या? हाँ मैं राधे हूँ और ये मेरी जान है, हमारी शादी होने वाली है, गवाह चाहिए।
आओगे क्या? इसका गवाह बनने से अच्छा है कि सिग्नल तोड़कर अपना चालान ही कटवा लो। एड्रेस तो पता है ना? जोत बनकर तुम्हारी जिंदगी में उजाला करने के लिए सोचा, अर्नब गोस्वामी की तरह न्यूज और विश्लेषण करने के लिए भी सोचा, एक संस्कारी आदमी की तरह आदर संस्कार करने के लिए भी सोचा, एक सच्चे आशिक की तरह आई लव यू बोलने के लिए सोचा। हाँ, पर तुमने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। अब से तुम्हारे घर पर संस्कारी आशिक अर्नब भी नहीं आएगा और मैं भी नहीं आऊँगा। तुम्हारा पेपर वाला कल्याण कभी नहीं आऊँगा। वंदना को बोला रे आंटी, I'm 20+। ये देख, न्यूज़पेपर में किसी ने लव लेटर रखा है। पेपर में पैम्पलेट्स आते रहते हैं दीदी, इन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, फेंक देना चाहिए। ठीक है ठीक है, तेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है। आज भी चली गई। हाँ बोल सुधीर। ए अभी यार, तुझे मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में पता है ना? हाँ पता है, लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड स्वाति है ना। तेरी गर्लफ्रेंड स्वाति? लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड तो नीतू है ना? हाँ, ये तो लास्ट मंथ की बात है, उसका चैप्टर ऑलरेडी बंद हो चुका है, उसके बारे में तू क्यों बात कर रहा है? फोन पे बात क्यों कर रहा है? गोइंग फ्री है इसलिए। रख फोन। अरे स्वाति है ना यार, स्वाति को कहीं पर ले जाना है और कोई प्राइवेसी ही नहीं मिल रही है। कहीं लेकर जाऊं तो डर लगता है कि सामने से कोई आ गया तो, कहीं पड़ोस वाले ने देख लिया तो, ये सब टेंशन रहता है यार। और अपने घर नहीं ले जा सकता, काफी सारे लोग हैं। मैं स्वाति को लेकर तेरे घर पे रह सकता हूँ क्या? मुझे पता था तू ऐसा ही है। ए अभी, क्या बात कर रहा है यार, एकदम सात्विक। मेरे कैरेक्टर के बारे में पता है ना तुझे, बस थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए यार। हाँ, वैसे तो मेरे पापा भी घर पे नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? अरे तेरे रहने से हमारी प्राइवेसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तू ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, वैसे वो कब तक आएगी? ऑलरेडी आ गई है। ये स्वाति। हाय, नमस्ते, यू कैरी ऑन। आजा आजा आजा। देखो स्वाति, हम जवान हैं और इस उम्र में हमारे अंदर एक आग होती है। इस वक्त अगर हम करीब आ गए तो ये आग और बढ़ जाएगी, इसलिए हमें दूर ही रहना चाहिए। और थोड़ा पास आ सकते हैं? आऊं क्या? पता है, मन जो है ना वो काफी चंचल होता है और एक जगह नहीं टिकता, इसलिए मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। और थोड़ा पास आ सकता हूँ क्या? या। और बहुत लोग 2 मिनट के प्लेजर के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, और हमें बेकार के 2 मिनट के लिए 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पता है? और तुम्हारे कंधे पर सिर रख सकता हूं क्या? क्या? अभी तू अचानक आ गया। तुम्हें मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं है रे, तुझे घर में और कोई काम नहीं है क्या? क्या काम? और क्या जुगाड़ लगाऊंगा यार? फ्री हूं। मतलब जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। ए उठ जा। थैंक्स यार, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन ब्रो। बाय। अच्छा, तो श्योर है ना मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मजे लिया ना? अरे भाई, प्राइवेसी नाम के शब्द को तुझसे भला कोई समझ सकता है क्या? सच कह रहा है। ओके बाय, अब चलो यहाँ से, ऐसी जगह रहने से क्या फायदा होगा? मैं शॉर्ट फिल्म बनाने से मना कर रहा था, अगर मैटर पहले बताया होता ना तो मैं ताला लगा के बाहर चला जाता। यूज के लिए एंजॉय नाम की कोई चीज है ही नहीं, बस कैरेक्टर ही कैरेक्टर है। मुझे पता है, तू ऊपर से कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और ही। क्या यार अर्जुन, सुबह से 2 बार कॉल कर चुका हूँ, ड्रामा कर रहा है क्या? ड्रामा में ही हूँ, रिहर्सल चल रही है ना। और वैसे तुझे ये कैसे पता चला? तुझे पता है स्पंदना भी यही पे? क्या बात कर रहा है, कहाँ है? कॉलेज ऑडिटोरियम में भाई। 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। आकाश को साक्षी मानते हुए, धरती को साक्षी मानते हुए, नदी को साक्षी मानते हुए, इसको देख, हवा को साक्षी मानते हुए, अग्नि को साक्षी मानते हुए, आई लव यू, आई हेट यू। कम से कम ड्रामा में तो पटाने देता, यहाँ भी वही कैरेक्टर दे दिया। तुम्हें कितनी बार बोला है,
इतनी सख्त होके मत बोला करो, इट हर्ट्स। मैं स्टेज पे जा सकता हूँ क्या? अर्जुन स्टूडेंट लीडर, नेक्स्ट एमएलए मैं ही हूँ, पता है ना? जा 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 क्या? वंदना आई एम कमिंग। क्या मेरे कलाकार डायलॉग नहीं बोल पा रहे? जाके नीचे प्रैक्टिस कर। वो बात नहीं है, नीचे असल में जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर। जाना। अरे वैसे हवा पानी बोलने के बजाय पंचभूत बोलना था ना। पंच भूत। वैसे हमारा मैटर कहाँ तक पहुँचा? एक बार बोला तो समझ नहीं आया। तुम गर्ल्स की यही प्रॉब्लम है, कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोलती हो। अगर हम बोल दें तो भी बुरा लग जाता है। मतलब प्यार करने के लिए दिल में फीलिंग्स होनी चाहिए ना? दिल एंड फीलिंग, इनके डिस्प्ले तो होती नहीं है ना। लव और फ्रेंडशिप होने के बाद ही पता चलता है कि उनके दिल में क्या है। लव में फ्रेंडशिप होना ये सबसे बड़ा भ्रम है, मैं ये सब नहीं मानता। तुम लव करने के लिए घर से मेकअप करके आओगी और मैं अपने घर से रेडी होके आऊंगा। किसी कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट में मिलेंगे, आपस में बात करते हुए एक घंटा या आधा घंटा बिताएंगे। अरे असली फीलिंग तो वो है कि शादी के बाद जब तुम आईने के सामने खड़ी हो ना, नाइटी पहन के सुबह सुबह ब्रश कर रही होगी और मैं शॉर्ट्स पहन के पेपर पढ़ रहा हूँगा, तब जाके दिल की असली फीलिंग बाहर आएगी। जब तुम्हारा मूड सही होगा तो मुहूर्त तय कर लेंगे। सुनिए, ये मूड सही होगा तो मुहूर्त तय करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? जैसे करंट की वजह से लाइट जलती है ना। इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रही है तो तू ड्रामा करके क्या कर लेगा? भाई अभी भी उसने कोई जवाब नहीं दिया तुझे, अब क्या करेगा बता? लव करूंगा। हाँ, हाँ। तो चल। स्पंदना कॉफी आ रही हो दीदी? चीटिंग है दीदी। पता है, लेकिन कॉफी ठंडी हो रही थी इसलिए। दीदी प्लीज। क्या है? बैठो ना, छोटा सा डाउट है जो तुम्हें ही क्लेरिफाई करना होगा। अरे ठीक है, चल बता क्या डाउट है। किसी से प्यार करने के लिए उसकी सुंदरता देखनी चाहिए या उसका दिल देखना चाहिए? आईना देखना चाहिए। प्लीज दीदी, सीरियसली बताओ। अब सुंदरता क्या है, आज नहीं तो कल नहीं रहेगी। अगर तुम सुंदरता ही देखने जाओगी तो ऐश्वर्या राय से भी सुंदर लड़कियां हैं दुनिया में। तो प्यार करने के लिए और शादी करने के लिए सुंदरता सेकेंडरी ऑप्शन है? सेकेंडरी भी नहीं, सेंचुरी के बाद का ऑप्शन है। थैंक यू। पी ले। यस। वैसे ये सब तू क्यों पूछ रही है? एग्जाम्स आ रहे हैं ना दीदी, इसीलिए। हाँ हाँ, हाँ। ऐसा ही होता, बिल्कुल ऐसा ही। इंटरवल तक वो हमारे पीछे पीछे घूमते हैं और इंटरवल के बाद तो हमें ही उनके पीछे घूमना पड़ता है। क्लाइमेक्स क्या होगा किसको पता है? ए, ऐसा कुछ नहीं है। कल उसने जो बेकार कॉन्सेप्ट बताया था उसे गलत साबित करने की सोच रही थी मैं। रोज पीछे घूमता रहता है, पता नहीं आज क्यों नहीं दिखाई दिया। इडियट। क्या? इडियट। आई डू इश्क ओनली तुमसे। हां, कल वहाँ से तो भगा दिया लेकिन यहाँ मेरा इंतजार कर रही हो। वैसे मेरे बारे में क्या सोचा? कल तुमने क्या कहा था? दिल मायने नहीं रखता, सुंदरता ही इम्पोर्टेंट है ना? मतलब ये गलत है। हाउ? दिल की फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, ये दीदी ने बताया। मेरी दीदी ने बताया, मेरी दादी ने बताया, मेरी चाची ने बताया, ये सब छोड़ो। दिल की असली फीलिंग शादी के बाद ही पता चलती है। जब तक हम लव में होते हैं तब तक सब मेकअप होता है, जब वो निकलता है तब ब्रेकअप होता है। लव के नाम पे फेक फीलिंग नहीं चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शादी होने के बाद रोमांटिक पीरियड खत्म हो जाता है और बच्चे होने के बाद सारा रूटीन भी। सच कहूं वंदना, मैटर पूरा मैरिज के ऊपर डिपेंड है। और मैरिज के बाद वाइफ का पहले जैसा ख्याल रखने वाला एक भी आदमी देखा है तुमने? हैप्पीनेस, फीलिंग, ये सब बेकार की बातें हैं। इमेजिनेशन की जगह पे रियलिटी में हर रोज अपनी बीवी को नए फील के साथ प्यार करने वाला कोई है क्या? अगर है तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट करेक्ट है और मेरा प्रपोजल कैंसिल है क्या? कोई मुझे इस बात का जवाब दो। हाँ है। कौन? मेरे जीजू। लोगों को अपने प्यार को अपने दिल में रखते हुए तुमने देखा होगा, पर मेरे जीजू ने सिर्फ दिल में ही नहीं, उनके ट्रिपल बेडरूम वाले फ्लैट में मेरी दीदी के 100 से भी ज्यादा वॉलपेपर्स रखे हैं। जीजू के बारे में बोल के बड़ा इतरा रही हो, आखिर है कहाँ वो? जहाँ पर भी हो, भले ही वो आईफिल टावर के सामने हो या कोई आइटम गर्ल उनके सामने हो या नायग्रा फॉल्स देख रहे हो या फिर आगरा के ताजमहल के सामने ही क्यों ना हो, हर पल दीदी के बारे में ही सोचते हैं। अभी कहाँ पर है?
सब नहाने के बाद सूर्य को नमस्कार करते हैं, पर मैं नहाने से पहले बीबी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सूर्य का मतलब होता है सुख का उदय। लेकिन तुम तो मेरी धड़कन की उदय हो। आई लव यू मेरे जीजू के दिल में और घर के हर कमरे में। मैं नहीं चाहता था कि तुम टवेल के नीचे आओ, क्योंकि तुम नीचे के लिए नहीं बनी हो, जिंदाबाद के लिए बनी हो। तुम यहाँ मेरे दिल में रहती हो और हमेशा रहोगे। I'm sorry, bloody towel। 8:10:20 तक घर के डाइनिंग टेबल पर होते हैं। नीटनेस के नीट शेफ के ब्रांड एम्बेसडर जैसे हैं मेरे जीजू। 8:30 पर ड्राइविंग सीट पर होते हैं। 10:10 पर घर में कदम रखते हैं। पंक्चुअलिटी पर तो जान छिड़कते हैं जीजू। मेरे दीदी के हाथ की कॉफी के लिए मरते हैं। मेरे जीजू के दिल में और घर के हर कमरे में सिर्फ और सिर्फ दीदी ही रहती हैं। ये क्या है जी, आपने तो आई लव यू बोल दिया। लेकिन मेरे आई लव यू बोलने तक रुकोगे नहीं क्या? सॉरी, मुझे लगा फोटो है। कैरेक्टर तो कमाल का है, इस जमाने में भी ऐसे लोग हैं। इट्स अमेजिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, अपने जीजू का नंबर दो मुझे। हाँ? फिर वो कुछ ही दिनों के बाद एक लड़की के साथ घूमते मिलेंगे। इम्पॉसिबल, मेरे जीजू श्री रामचंद्र जी के प्रिंट आउट है। प्रिंट आउट है लेकिन पेन ड्राइव नहीं। मुझे बस उनका नंबर दे दो, कहानी और स्क्रीन प्ले कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा। ले लो 9573369496। और तुम्हारा? वो क्या है कि हम कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। अरे वाह, शर्म आ गई। सर कॉफी। यू आर डिसमिस्ड। हाँ सॉरी सर। आउट। 1 मिनट सर। कॉफी सर। यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। आउट। Who is this? इतनी जल्दी मुझे क्यों भूल गए महेश? आपका नाम क्या है? इतनी आसानी से क्यों बताऊं महेश? नाम बता के बात करनी है तो कीजिए, वरना नहीं। I'm busy. हेलो हेलो महेश। हेलो। ये क्या महेश, मैं बात कर रही थी और तुमने कॉल काट दिया। आप कौन है जी? अगर आप नाम नहीं बताएंगे तो बात कैसे होगी? ऐसे चिढ़ क्यों रहे हो महेश? You have changed a lot. हेलो सर, 2 मिनट्स, आई विल बी बैक। अगर तुमसे मेरी बात नहीं होती है तो मैं बिल्कुल पागल सी हो जाती हूँ, क्या तुम्हें पता है? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। अरे पर मैंने तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए डेट फिक्स की है। अगर तुम अरे मम्मी बुला रही है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हेलो। हाय महेश। हाय। अब मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा, कहा ना तुम्हें, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क। ओह रियली महेश? दैट्स ग्रेट महेश। जब तक मैं खुद चल के तुम्हारे सामने ना आ जाऊं, मुझे मिलने के लिए फोर्स मत करो। या एक बात कहूं, सच में तुम्हारी वॉइस बहुत पसंद है। बताओ ना। अच्छा कुछ और बात करो ना। और क्या हालचाल है, पहले की तरह ही हो ना तुम? कोई
एक चैनल लगा ना। दीदी जीजू आ गए। तुम्हारा कॉफी कौन सा? अगर कॉफी नहीं दूंगी तो कदम भी अंदर नहीं रखेंगे। जब से शादी हुई है तब से कॉफी पीते हुए ही अंदर जाते हैं। अचानक क्या हो गया? ऑफिस गए थे ना, काम का टेंशन होगा। वो भी मुस्कुराते हुए आए ना? टेंशन ज्यादा होता है तो लोग मुस्कुराते हैं दीदी। हा? अरे वो गिर जाएगा। एए, रुक जा। अबे गिर जाएगा यार। अरे उतर जा यार उसमें से। अबे मर जाएगा, नीचे आ। अगर नहीं मानेगा ना तो ये बॉटल फेंक के मारूंगा। ओ जाने वाली, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। तुम जरा दो स्टेप पीछे जाओ ना। वन टू। चलो इसकी जान तो बच गई। वैसे कोई सिम्टम दिखा क्या? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे जीजू के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरे जीजू वैसे इंसान नहीं है। वैसे एक बात बताओ, ये सुबह सुबह इतना एक्सपोज क्यों करती हो? हमारी जब शादी हो जाएगी ना उसके बाद ये योगा वोगा नहीं चलेगा। ओके ए, चलो घर जाओ, पिक्चर खत्म हो गई। पता नहीं सुबह दोबारा कब होगी। हेलो हेलो। ए अरे क्या क्या हुआ है तुझे? कब से देख रही हूँ, क्या कर रही है सुबह से? हाँ वो कॉलेज जल्दी जाना है दीदी। नहीं प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मैं लेट हो गई तो क्लास से बाहर निकाल देंगी। अरे लगता है इसे कुछ हो गया है। प्यार होने पर पूरी दुनिया हमें बिल्कुल नई सी लगती है। हमारे फ्रेंड्स फैमिली फेड आउट होते रहते हैं। कोई हमें बुलाता है तब भी हमें लवर का नाम ही सुनाई देता है। खाना खाते हुए प्लेट में उसका ही नाम लिखने लगते हैं। आईने में जिससे प्यार करते हैं उसकी शक्ल दिखने लगती है। वंदना वंदना, what am I teaching? Symptoms of love? What? Sorry. Get out. Sorry. बाहर जाओ, मैंने कहा ना बाहर जाओ। हेलो, वैसे क्या सोचा तुमने? तुम बस नाम के लिए लड़की हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। अच्छा कोई सिम्टम दिखाई दिए? मेरी जीजू में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा, वैसे मैं पूरी तरह से यहीं पे हूँ लेकिन माइंड आउट ऑफ कवरेज है। अरे सुबह की चाय मेरी ठंडी हो गई। रिमोट को मैं फोन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरे करने कुछ और जाता हूँ लेकिन हो कुछ और ही जा रहा है, सच कह रहा हूँ। वंदना मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में डूब गया हूँ। इस मामले में मैं अपनी यंग जनरेशन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें लड़की पसंद आए और तुम उसके पीछे घूमो और वो तुम्हें मना कर दे तो उस सदमे से बाहर आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ओनली वन वीक हो गया तो ठीक, वरना दूसरी स्ट्रीट। क्या बात है भाई, तू तो लव गुरु बन गया है। हेलो, तुम्हारे पीछे घूमता रहूं इतना पेशेंस नहीं है मुझमें। सो अगर तुम्हें बोलने में शर्म आ रही है तो यहां से थोड़ी दूर जाके आई लव यू बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। अगर प्यार है तो एक बार पलट के देखो ना, एक बार देख लो यार। वंदना नहीं देखेगी यार, इंक्वायरी में बैठे हुए एम्प्लॉय की तरह ब्लैंक होकर सुनने और देखने के अलावा पलट कर नहीं देखेगी। अभी उसने देखा यार। हा? भाई तू सच में ग्रेट है।
कॉलेज की इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की स्पंदना को भी पटा लिया तूने, अब क्या करेगा आगे? ए अभी अब क्या करेगा? पर तू ऐसे स्टैचू जैसे क्यों खड़ा है? ओ अब स्पंदना मान गई तो भाई हमारी बात क्यों सुनेगा? ए अरे कौन है रे वाह? अर्जुन स्टूडेंट लीडर, नेक्स्ट एमएलए हूं मैं। यस हेलो। हे महेश, आर यू वेटिंग फॉर माय कॉल? सिर्फ कॉल का ही नहीं, तुमसे मिलने का भी इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकती। What? क्यों पूछोगे तो क्या बताऊँ मैं तुम्हें महेश? इतने नॉटी हुआ करते थे, इतनी शरारतें करते थे। पहले जीन्स टी शर्ट में कितने अच्छे लगते थे तुम, और आज देखो तो ये पैंट शर्ट फुल स्लीव वो भी टक इन करके, ये फॉर्मल क्लोथ में कैसे लगते हो तुम्हें पता है? तो फिर जीन्स और टी शर्ट पहनूंगा तो आओगी क्या? जीन्स टी शर्ट पहनोगे और अपनी शरारती अंदाज वापस लाओगे तो जरूर मिलूंगी। तो फिर पक्का मिलूंगा। यस मिस्टर राकेश। सर वेयर इज मिस्टर महेश राव? उनकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उनको लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल? बावरा हो गया है क्या? नाइस नाइस टी शर्ट। सर इस वक्त कौन आया होगा? हाँ? आप जल्दी आ गए। तेरे मेरे बीच में ऐसा है ये बंधन अनजाना। सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, आज अचानक क्या हो गया इन्हें? देखती हूँ। फेशियल। दीदी दीदी प्लेट्स, भूख लग रही है। ये जिंदगी कलरफुल हो गई है, तुझे देख के मेरी जान मैं तुझ। जीजू जीजू ये क्या है? क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ब्लू जीन्स रेड टी शर्ट, ऐसा ही कॉम्बिनेशन कहा था उसने। टी शर्ट अच्छी है पर जैसे आप खा रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो दरअसल ऑफिस जाने की जल्दी में थोड़ा। ये क्या किया आपने? दो मिनट रुक जाते, मैं प्लेट लेके आ ही रही थी ना। आई नो सॉरी सॉरी। जीजू आप में अचानक बदलाव कैसे? टी शर्ट पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, ये सब सडनली क्यों? सुनिए चाय या कॉफी? चाय। तुम्हारी दीदी और मेरी शादी को 2 साल हो रहा है तो कुछ पुराना सामान जो वो फेंक रही थी उसमें ये देखा मैंने, फिर तुम्हारी दीदी को कहीं बोर तो नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में डीपली सोचा मैंने, किसी भी तरह शादी के पहले की उस मैजिक को रिक्रिएट करने का सोचा मैंने। प्रॉमिस। इसीलिए तामझाम सिर्फ तुम पे ही नहीं, तुम्हारी दीदी पे, तुम्हारी दीदी के इस घर के सारे फोटोज पे, इस कलरफुल खिलौने पे हाथ रख के प्रॉमिस कर रहा हूँ ये सच है। चलता हूँ। आप
जीजू लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ भी भूल जाओ लेकिन तुम्हारी दीदी को कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि तुम्हारी दीदी मेरे दिल में रहती है। चलता हूँ। हे, बड़ा सरप्राइज, लाउड स्पीकर पे करता हूँ, आई लव यू बोल देना। बात वो नहीं है, क्या कह रहे थे? मेरे जीजू एक हफ्ते में किसी दूसरी लड़की के साथ घूमने लगेंगे, ऐसा कहा था ना? क्यों, घूमते हुए दिखे क्या? दिखने की बात छोड़ो, उल्टा पहले से ज्यादा प्यार करने लगे हैं मेरी दीदी से। बाहर कांड करने वाले मर्द अक्सर अपनी बीवी से ज्यादा प्यार जताते हैं। वैसे तुम्हारे जीजू हैं कहाँ? नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं। ऑफिस नहीं, पार्क, इंदिरा पार्क में गए किसी लड़की से मिलने के लिए। इम्पॉसिबल। विश्वास नहीं हो रहा तो इंदिरा पार्क में आ जाओ, तुम्हारे जीजू की हरकतें दिखाऊंगा। मेरी दीदी के बिना पार्क तो क्या, पड़ोस में भी नहीं जाते हैं। लेकिन तुम्हें गलत प्रूफ करने के लिए मैं जरूर आऊंगी। हैप्पी जर्नी, आई एम वेटिंग यू बेबी। लवर्स हो? कॉन्ग्रेट्स, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं क्या? वेस्ट है। हेलो। हाय, हाय महेश। कहाँ हो वैसे? तुम कैसी दिखती हो, इस एक्साइटमेंट और टेंशन में मरा जा रहा हूँ मैं। और कितना टाइम लगाओगी मेरी आंखों के सामने आने में? सॉरी महेश, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। यू आर जोकिंग राइट? बी सीरियस यार, तुम आ गई हो क्योंकि तुम्हारा लुक्स मेरे पीठ पे लग रहा है। देखो, आई कैन फील इट यार। ओ महेश, मैं घर पर ही। व्हाट? मतलब तुम सच में नहीं आ रही हो? नहीं। यू डिसअपॉइंटेड मी, कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड मी। तुमसे मिलने के लिए कल से मैं कितना प्रिपेयर हुआ पता है? लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने अपने चेस्ट भी सेव कर ली पता है। यू कांट डू दिस शिट। ऐसे क्यों बोल रहे हो महेश? तुम लड़के हो, पैंट शर्ट पहन के निकल सकते हो। हम लड़कियों को कितना रेडी होना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, ड्रेस के लिए सोचना पड़ता है, ऊपर से बाहर निकलने से पहले मम्मी पापा को इन्फॉर्म करना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम होती है। ओ, सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम होती है क्या? हमें प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? शे, तुम्हें पता है अपने बॉस को कितनी कहानियां सुना के लीव लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ? और मेरी वाइफ तो टू मच है। सच कहूँ तो मैं, मेरी कुछ हरकतों की वजह से मैं पागल हो रहा हूँ, और इसी वजह से वो भी पागलों जैसी हरकत कर रही है। ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, तुमसे मिलने के लिए कर रहा हूँ ना। हेलो 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 हेलो, आर यू देयर? हेलो महेश, तुम्हारी शादी हो गई। महेश, महेश, आर यू देयर? महेश, सच बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? वो दरअसल एक बार हो गई है, लेकिन उसको भी काफी टाइम हो गया है, मुझे तो याद ही नहीं है। तुम सिंगल हो ये सोचकर मैं मिंगल होने का सोच रही थी, लेकिन तुम तो झूठे निकले। प्लीज ऐसी बातें मत करो, वो कोई शादी है क्या? 15 मिनट में शादी हुई थी पता है क्या? कम से कम मंत्र थे वो भी ठीक से नहीं पढ़े, मेरे लिए तो गुलाब जामुन भी नहीं बचा। छे छे, वो असली शादी नहीं थी, बहुत बेकार शादी थी। आई कांट कंटिन्यू विद द मैरिज। प्लीज फोन मत रखना, मुझे एक चांस देके तो दे। प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो हेलो हेलो। छे, पता नहीं मैंने शादी क्यों की, इस मैट्रिमोनी के तो तुम्हारी दीदी के बिना पड़ोस में भी नहीं जाते हैं ना, देखो पार्क में घूम रहे हैं। ये पेड़ हिल क्यों नहीं रहा है? ओके बाय। रुको रुको, बैठो ना बैठो। व्हाट इज दिस? एटमॉस्फेयर भी कोऑपरेट कर रहा है। जब शादीशुदा मर्द फिसल सकते हैं तो हम तो फर्स्ट टाइम लवर है ना। वैसे तुमने इस बारे में क्या सोचा? किस बारे में? मेरी बात सुनो, जो चीज जिस उम्र में होनी चाहिए उसी उम्र में अच्छी लगती है। नहीं तो अगर हमारी लेट शादी हुई ना तो आधी रात को कोई प्रोग्राम देखते वक्त हमें एक घटिया से ऐड का नंबर नोट करना पड़ेगा, जिसमें वो लोग ये सूचना देते हैं संतान प्राप्ति के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? तुम जो देख रहे हो उतना ही समझ रहे हो, तुम्हें मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरूंगा? कैसे सोच सकती हो तुम? कम ऑन, टेल मी टेल मी टेल मी, ताजमहल जैसा कुछ बनवा दूं क्या, या फिर तुम जा रहती हो वहाँ हेलीपैड बनवा दूं? लड़कियाँ बोलती नहीं है, लड़कों को खुद ही पता लगाना होता है। कल मॉर्निंग तक अगर तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर जाओगे तो तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। ओके, मीट माई एक्सपेक्टेशन बाय टुमारो मॉर्निंग। लड़कियों के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना मेरे जीजू को फंसाने जितना इजी नहीं है। अगर लड़कियों के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है तो किसी एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। हाँ, चंद्रा, यहाँ कोई चंद्रा नाम का आदमी रहता है क्या? मैं ही हूँ चंद्रा, क्या काम है? अरे
ये क्या, तेरी मूंछ कहाँ है, दाढ़ी कहाँ है, तेरा स्टाइल कहाँ गया, तूने अपना होलिया क्यों चेंज कर दिया? अरे शादी हो गई मेरी, शादी होने के बाद भाग्य बदलता है, फेस बदलता है, सब कुछ बदल जाता है भैया। अरे लेकिन तुम तो पाली हिल में रहते थे ना? अरे जब बैचलर था तब पाली हिल में रहता था, शादी होने के बाद तो यहाँ धारावी में आना पड़ गया। इतना चिढ़ क्यों रहा है भाई? जिसकी शादी होती है ना वो चिढ़ता ही है, हंसना भूल जाता है वो बंदा, फिर जबरदस्ती हंसता है वो शादीशुदा आदमी। हो गया क्या? अरे नहीं नहीं हुआ अभी। अरे क्या काम है तुझे, क्यों आया भाई, जल्दी बता, अंदर जाना है मुझे। वो क्या है कि तू लड़कियों को पटाने में एक्सपर्ट है ना, तो मुझे भी टिप्स चाहिए थी। हो गया क्या, सिर्फ अकेला तू ही बचा था यही सोचा था मैंने, लेकिन तू भी लपेटे में आई गया। hey, मामला थोड़ा सीरियस है यार, लड़कियों की एक्सपेक्टेशन में खरा कैसे उतरूं? अबे तू है कौन लड़कियों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने वाला है कौन तू? पता है तुझे सारे भगवान पहाड़ों में सेटल क्यों हो गए? क्योंकि वो लड़कियों की एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे, तो तू कौन है बे? क्या है तेरी औकात उनके आगे? पता है जब तू कॉलेज में बुक्स पढ़ रहा था तब मैं लड़कियों को पढ़ा करता था, जब मैं इतनी पढ़ाई के बाद खरा नहीं उतर पाया तो तू क्या खरा उतर पाएगा बे? जा कुछ और कर। अरे बताइए हुआ क्या? अरे नहीं हुआ अभी तक। भाई तू तो फर्स्ट रेट हो गया, मैं क्या करूं? अरे इस रस्सी को देख, इस पे 10 साड़ियां लटकी हुई हैं, लेकिन मेरी एक भी शर्ट नहीं है उस पर। तुम देख रहे हो ना मेरी हालत को, साड़ी सोना करके मेरे पास एक भी शर्ट खरीदने के पैसे नहीं बचे, बनियान भी उतर जाएगी। देख 10 तोला सोना ले जाकर गिफ्ट में अगर उसे हैप्पी बर्थडे बोलेगा ना, विश करेगा हाय हैप्पी बर्थडे, तब तू शायद एक्सपेक्टेशन में खरा उतर पाएगा, वरना तू सोचे भी मत। एक प्रोसेस है, ये कोशिश है, एक जानलेवा कोशिश, बहुत खतरनाक। हाँ समझा? तू तो गीला हो गया यार। मैं जैसे गीला हुआ ना बेटा, वैसे ही शादी के बाद तू भी गीला होगा, समझ लेना। हाँ लेकिन सबसे पहले तू एक काम कर, अपनी बनियान को धोके इस रस्सी पे डाल दे। सुनिए जी, हो गया। अरे हाँ हो गया। अरे तेरी, अंदर जाऊंगा तो वो रुलाएगी, बाहर आता हूँ तो ये रुलाता है, जिंदगी रोने के लिए रह गई बस अब। भैया सीनू है क्या? नहीं है सर, उसके पापा हैं। हाँ सीनू से अच्छा है कि उसके पापा से बात करूं, 24 घंटे टीवी देखते रहते हैं, अपडेट होंगे। ओके। लड़कियों के एक्सपेक्टेशन को कंपेयर करके इनकी जोड़ी ऐसी है उनकी जोड़ी ऐसी है ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे हो क्या? तुम्हारे पसंदीदा कॉलेज में से एक पसंदीदा जोड़ी सिलेक्ट कर लो और फिर किसी दूसरी लवर जोड़ी की फोटो खींच के उन दोनों को कंपेयर करो और किसके बीच ज्यादा प्यार है ये तुम्हें सोचना चाहिए। अरे रे रे रे, अरे रुको बेटा, अरे रुको, अरे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। आगे आ गया। लड़कियों की उम्मीद पे खरा उतरना इतना आसान नहीं है। लड़कियों को पटाने के लिए जितना शिद्दत से तुम मेहनत करते हो उसकी अहमियत को मैं समझता हूँ। तुमने इतनी मेहनत से उससे प्यार किया, उसे पटाया, लेकिन वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी उम्मीदों पर जो बना सके, हमारी उम्मीदें इतनी बड़ी नहीं, बहुत छोटी है, बस हमारे साथ थोड़ा समय बिता सके, हम जो कहें उसे सुन सके, हमें थोड़ी अपनी अटेंशन देने वाला हो। लेकिन सब पागलों की तरह कुछ और ही सोचते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड को ही देख लो, फेसबुक के लाइव चैट के अलावा कभी लाइव नहीं दिखता, इसलिए तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड की आंखें खुलते ही उसके सामने दिखो, कॉलेज है घर है ये सब सोचे बिना उसे सरप्राइज दो, उसने तुम्हारे बारे में सोचा कि उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाओ। हमें प्यार करने वाला हमारे साथ हो उसके अलावा हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हम आंखें खोले तो हमें प्यार करने वाला सामने दिखना चाहिए, तो कल ही जाकर उस लड़की से मिलो। वंदना, तुम अगर दिल हो तो मैं तुम्हारी धड़कन, तुम जहां भी रहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जिंदगी के हर पल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जब तुम आंखें बंद करोगी तो तुम्हारे सपने में आऊंगा, आंखें खुलने पे तुम्हारे सामने रहूंगा, मुझे पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूं, यही तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है ना? पर अगर 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा तो ये बताओ कि पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि हम लड़कों के पास कोई काम नहीं है? तुम लड़कियां ऐसी सोच रखती ही क्यों हो यार कि सोचते ही सामने आ जाओ, तुम लोग जैसे ही कॉल करो हमें तुरंत फोन पिक कर लेना चाहिए, कब मेरा बर्थडे आ रहा है, कब मेरी फीस भरनी है, इस चीज की हिंट देती हो क्या? कितनी मेहनत लगती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए,
लेकिन तुम लोग के चक्कर में हम अपनी चाय पूरी ही नहीं कर पाते। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये सब कब तक रहेगा? हा? यही जब तक हम दोनों बैचलर रहेंगे, और शादी होने के बाद क्या होगा? तुम ही बोलोगी तुम बदल गए हो, तुम चेंज हो गए हो, यही बोलोगी, और ये सुनकर के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो कृपा करके मेरे बारे में ऐसा मत सोचना, प्लीज। चलो मैं तुम्हें अपनी बात बता देता हूँ। मैं सुबह सुबह ऑफिस जाऊंगा, वहां से हंसते हुए वापस आऊंगा, या रोते हुए, या फिर मायूस होके, ये सिर्फ मेरे ऑफिस के बॉस पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। ये सब कह के झूठे वादे नहीं करना चाहता मैं। सो अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे लिए करेक्ट हूं या नहीं। करेक्ट हूं तो फोन करना, नहीं तो नंबर डिलीट कर देना, एज यू विश। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सेंटेंस आई लव यू है, और सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाने वाला भी सेंटेंस आई लव यू ही है। मुझसे फ्रेंडशिप करने के बाद मुझे आई लव यू कहते हैं तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। यही बात मैं सोचती रही, और फाइनली जब मैं वहां पहुंची तब मुझे आई लव यू का डेफिनेशन पता चला। इतनी डेप्थ कैसे है इसमें अभी? अभी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं तुम्हें। अभी मैं खुद को और नहीं रोक सकती तुमसे मिलने के 8 घंटे 10 मिनट और 20 सेकंड्स के बाद। अपनी लाइफ में पहली बार मैं तुमसे कह रही हूँ आई लव यू। पहली बार आई लव यू कहा, रिस्पॉन्स नहीं दोगे? हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग? अभी 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 हाँ, तुमने लिसनिंग कहा ना, आई एम लिसनिंग। तो शादी कब करनी है?
ये तो तमन्ना की तरह नाच रही है और ये यहाँ दुखी होके लेटे हुए हैं। पता नहीं क्या हो गया। वो तो इतना सैडिस्ट है कि मिस्ड कॉल दे करके फोन स्विच ऑफ कर लेता है यार। वो देख, वो आ गई, चाल बदल गई, मुस्कुराहट बदल गई, हेयर स्टाइल भी बदल गया और लिपस्टिक भी बदल गई। सच सच बता, वही है ना जो बाइक पे तेरा पीछा करता रहता है? क्या दिखता है यार, वो तो बहुत अच्छा बटा लिया तूने। मैंने नहीं, उसने मुझे बटा लिया। हाँ तो अच्छा ही है ना। अब फ्यूचर प्लान क्या है? आज फर्स्ट टाइम उसके साथ बाइक पर जा रही हूँ। बहुत संभल कर बैठना चाहिए बाइक पर। रोड पर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, टर्निंग्स होते हैं, आउटकर्स होते हैं, रोड पर गड्ढे भी होते हैं। कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर क्या करोगी? हाँ यार, ये चार बार बाइक पे गई थी और हर बार वही हुआ। चुप करो यार, हमें बहुत कंट्रोल करना चाहिए। लड़के बहुत जल्दी बहक जाते हैं, हमें ही डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। जब तक गलती नहीं हो जाती तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि गलती हो गई है। बाय। हाँ, लेकिन अगर बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही है तो कॉलेज आने की क्या जरूरत थी? लड़कियों को बॉयफ्रेंड और लोगों को सोना शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस। मुझसे डर के इस तरह से बैठ गई हो क्या? अभी कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अभी मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। अभी बोलो ना, अभी 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 स्टॉप, अभी रोकोगे नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। रोको अभी, अभी। ये क्या है अभी, कहाँ ले आए मुझे? माँ, तुम्हारी बहू आ गई। वंदना, मेरी माँ सुशीला जी, तुमसे वादा किया था ना माँ कि सबसे पहले तुमसे ही मिलवाऊंगा। लो आ गई। मेरी माँ को गुजरे 5 साल हो गए। मैं घर पे बैठ के माँ का इंतजार कर रहा था, लेकिन माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। ममता की छाया से दूर हुए 5 साल हो गए। माँ से जिद करता था, माँ मुझे दुनिया की सारी चीज चाहिए। मेरी माँ मुझे छोड़ के जा चुकी है, मुझे इस बात का विश्वास आज भी नहीं है। आज भी जब मैं सोया रहता हूं तो लगता है जैसे वो मुझे जगाएगी। अक्सर डाइनिंग टेबल पे आके कहता हूं, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पर माँ नहीं होती। वो घर पे कितनी भी देर से आए लेकिन आते ही किचन में चली जाती थी। जब तक माँ हमारे साथ होती है हमें माँ की अहमियत पता नहीं चलती। किसी की अहमियत किसी के जाने के बाद पता चलती है, फिर हम चाह के भी कभी मिल नहीं पाते, फिर हम कुछ भी करें कोई डांटने वाला नहीं होता। माँ की कमी बहुत खलती है मुझे। माँ मुझे क्यों छोड़ के चली गई बताओ ना वंदना, क्यों मुझे अनाथ बना दिया? सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कुछ नहीं मेरे पास। जब भी तुम्हारे पास आता हूं रुला के ही भेजती हो। अच्छा माँ बताओ ना, कैसी लगी वंदना? असल में पेरेंट्स को हमसे कितनी उम्मीदें होती हैं। डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, ये सेठ वो सेठ सब लाकर देते हैं बेचारे। हमें कुछ भी करके उनके सपनों को पूरा करना चाहिए। और थोड़ा और क्लोज आ सकता हूँ क्या?
आखिर हमारे माँ बाप हमें बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी गलतियों को माफ करके हमें अपनी छत्र छाया में रखते हैं। ये सब हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और थोड़ा पास आया जा सकता है क्या? असल में पेरेंट्स जीते ही हमारे लिए हैं, हम लोग ही उनकी दुनिया और वो हमारी दुनिया होते हैं। हमें भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। और तुम्हारी गोद में सिर रख के सो सकता हूँ क्या? अब मजा आएगा। इतनी दूर लेके आया तो भी यहाँ पर आ गया ये। क्या हुआ भाई, डिस्टर्ब हुआ क्या? असल में डिस्टरबेंस है ही नहीं। 100 किलोमीटर दूर भी पहुँच गया। थैंक्स फॉर सरप्राइज विजिट। गॉड ब्लेस यू यार। चलो अब देख क्या रही हो, अब उठो चलो यहाँ से। इसकी शक्ल पे मत जाओ, अंदर से बहुत टैलेंटेड है ये। चलो चलते। दीदी को कैसे बताऊं? कैसे भी बता दूं, मगर पापा को मेरे लव मैटर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बोलूं? बोलता क्या? नहीं नहीं बोलती हूँ। अब क्या हुआ, कुछ बात करनी है मुझसे? वो मैं कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा दीदी। पर मैं बता देती हूँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वंदना, तुम उससे प्यार करती हो क्या? वो वही प्यार करता है, मैंने अब तक कुछ बताया नहीं। वो तो पता चल रहा है, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सो मच दीदी। तुम कैसे रिएक्ट करोगी ये सोचकर टेंशन हो रही थी। दीदी तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। बोलो मेरी क्या हेल्प चाहिए? कुछ नहीं दीदी, सिंपल है। पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं ना, तो तुम पापा को कॉल करके कहो कि हमारे एरिया में एक बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे से बताओगी तो वो जरूर देखने आ जाएंगे। जिससे प्यार करती हूँ उसी से ऑफिशियली अरेंज मैरिज करूंगी, वरना सब लोग लव मैरिज कह के एक टैग लगा देंगे। प्लीज ना पापा को बोलो ना दीदी। मैं क्या बोलूं, मेरी खुद की लाइफ ठीक नहीं चल रही है, ऐसे में तुम्हारे बारे में क्या बात करूं? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ क्यों पूछ रही हो, अपने जीजू को देखो ना, पहले कैसे थे और कैसे हो गए। शादी के बाद से मैंने उन्हें आज तक दाढ़ी मूछ में नहीं देखा है। मतलब अगर जीजू ने शेविंग कर ली तो पापा को कॉल करोगी ना? मैंने उनसे कहकर देखा है, कोई फायदा नहीं। दीदी अगर जीजू ने 2 मिनट में शेविंग कर ली तब तो आप कॉल करोगी ना? ठीक है जाओ देखती हूँ। 2 मिनट्स। हेलो। हाय महेश, इतने दिन के बाद कॉल कर रही हो, कितने दिन से तुम्हारे कॉल आने का वेट कर रहा था पता है? अरे ये क्या महेश, मेरे गालों को तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है। मेरी दाढ़ी है क्या, बहुत बढ़ गई है क्या? पहले तुम शेविंग करो उसके बाद बात करते हैं। अभी करता हूँ, जस्ट वन मिनट। दीदी तूने ऐसा क्या किया? मैजिक। अब तो पापा को कॉल करोगी ना? कॉल क्यों करना, पापा को डायरेक्ट यही बुलाती हूँ, तू जाके अपने आशिक को तैयार कर। थैंक यू। क्या कर रही हो? ऐसे नहीं, अरे फॉर्मल्स पहनने पड़ेंगे, ऐसे तुम नहीं आ सकते हो। वैसे करने क्या वाली हो, मुझे बेचना तो नहीं है? बेचने का तो सोच लूं, मगर तुम्हें खरीदेगा कौन? आखिर कमी क्या है मुझमें, हीरो जैसा हूँ मैं। हीरो हो या जीरो हो ये पापा से मिलने के बाद पता चलेगा। क्या कहा, तुम्हारे पापा आने वाले हैं क्या? मेरे घर आकर मिलना है उन्हें। मैंने पूरा ड्रामा डिजाइन कर दिया है, मेरी दीदी तुम्हें पापा के सामने बहुत अच्छा लड़का है ये कह के इंट्रोड्यूस करेंगी। ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट पहनकर नीटली टिप टॉप बनकर आना है, इंटेलेक्चुअल ब्रांड एम्बेसडर बनकर आना है तुम्हें। ठीक है। मेरे पापा को देखते ही बहुत ही सिंसियरली बात करना। जरा बोल के दिखाओ। मैं वीडियो बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। अभी? गुड मॉर्निंग अंकल। नमस्ते अंकल। ओके। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ए अंकल, अपनी बेटी दोगे क्या? एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बी सीरियस, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। और हाँ 9 AM शार्प इन द मॉर्निंग। ओके, वैसे तुम्हारे पापा करते क्या है?
अगर यहाँ रहना है तो मेरी चप्पल के नीचे रहना होगा, मेरे कदमों पे सिर रखना पड़ेगा। हाँ 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 जाबे। सही कहता हूँ भाई। ले जा इसे। हाँ साहब। क्या रे जोगी, सुना है तू मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहा है? तेरे साथ जो भी आए थे उन्हें तेरी आंखों के सामने मार डाला, मैंने देखा ना तूने। शेर को जिंदा रहने के लिए हिरण का शिकार करना ही पड़ता है। किसी को मारना खेल है मेरे लिए। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा? प्लीज सर। कोई बात नहीं, आजा बैठ। मैं चलता हूँ सर। बैठ जा, बैठ बोला। गवाह के लिए पूरा जिला ढूंढ लिया तूने, ये सच है ना? ये कोई फिल्म थोड़ा ही है। रो मत, रो मत, रो मत। अभी और एंटरटेनमेंट होगा। अभी एक और आने वाला है जिसको मेरी बेटी से शादी करनी है, वो मुझसे बात करने आने वाला है। शेर के मुंह में हाथ डालने से क्या होता है, उसे चबा जाता है वो। उसे भी तेरी आंखों के सामने मार डालूंगा। और तू मेरे क्राइम सीन के वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डालने वाला था, डाल देना तू। भाई वो आ गया। हे अभी आ गए क्या? ठीक हो ना? आओ आओ आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? डर लग रहा है क्या? डरने वाली कोई बात नहीं है। आओ आओ, मम्मी पापा कैसे हैं? आ जाओ आ जाओ, बैठो बेटा। कुछ खाओगे? चिकन बनवाया है तुम्हारे लिए, खूब मजे ले लेकर खाना। बेटी वंदना, कौन आया है जरा देखो तो। आओ बेटी आओ आओ, अभी बहुत अच्छा लड़का है। गोरा चिट्टा भी है, तुम दोनों की जोड़ी करेक्ट है। देखो बेटी, अच्छे से देखो, जी भर के देख लो, आराम से देखो। जिंदगी भर के लिए नहीं, आखिरी बार देखो इसे। क्यों रे, तुझमें इतनी हिम्मत हो गई है? आराम ज्यादा, मेरे घर आकर मेरी बेटी से शादी करने को बोल रहा है तू? ए, काट डालो इसे। इस वक्त क्यों फोन किया? अरे क्या बताऊं यार, कल तुम अपने डैडी से मिलवाने वाली हो ना, कैसे हैं क्या करते हैं ये सब तो तुमने बताया नहीं। अरे वो मुझे सपने में आके डरा रहे हैं। हेलो, मेरे पापा कोई एक्शन मास्टर नहीं है, वो बहुत ही फ्रेंडली फादर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह बहुत ही सिंपल रहते हैं। तुम चैन से सो जाओ वरना तुम्हारा ग्लैमर कम हो जाएगा। कैसे सोऊं, डर के मारे नींद नहीं आ रही है, थोड़ी वैसी बात करो ना। क्या बात करूं? अरे वैसी यार। जल्दबाजी क्यों है इतनी, कल अपने ससुर जी से बात करना पहले। हाँ ठीक है, तब तक मैं कोई और सपना देख लेता हूँ। हाँ सुबह मिलते हैं, बाय। अबे दिखता नहीं है क्या? अभी मैं किसी अर्जेंट काम के लिए जा रहा हूँ इसलिए बच गया, चल निकल यहाँ से। अच्छा सॉरी सर। पापा कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटी। मम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक है बेटा। ठीक है पापा, आप फ्रेश होकर आइए। नहीं बेटा, पहले कॉफी लेके आ जाओ। ओके। पापा कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? सुपर्ब। टीवी ऑन करो। हाँ करो करो, मैच शुरू होने वाला है। जस्ट वन मिनट पापा। पापा कॉफी। पापा एक बहुत अच्छा लड़का है, वो कैजुअली मैंने उसे बुलाया है,
आपको पसंद आ जाए तो हम जाके मिल सकते हैं। ऐसे बताना जैसे मुझे कुछ नहीं पता। वो वंदना को इस बारे में कुछ नहीं पता। वंडरफुल। पापा मैं वो बता रही थी ना, आ गए वो। नमस्ते अंकल। अबे दिखता नहीं है क्या? अभी मैं किसी अर्जेंट काम के लिए जा रहा हूँ इसलिए बच गया। चल निकल यहाँ से। मॉर्निंग मॉर्निंग। आओ बेटा बैठो। ठीक से बैठो बेटा वरना गिर जाओगे। थैंक्स अंकल। चाय लोगे या कॉफी? कॉफी दूध दूध दूध। ओके वंदना दूध। हाँ ठीक है। इंडिया की बैटिंग है ना? ये आपकी बड़ी बहन है क्या? छोटी बहन है। ओह, आपका नाम? वंदना। ओह, नाइस नेम। अच्छा नाटक कर रहा है। और आपका नाम? अभिनव। ऑस्कर दे देना चाहिए। कॉलेज कौन सा है? भवंस कॉलेज। ओह, आपका कॉलेज? मीठी भाई कॉलेज। बेटी वंदना तुम जाओ बेटा। बेटा हम बाद में मिले। ओके अंकल। गीता जी मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ अंकल। बाय बेटा। बाय अंकल। गीता जी बाय बाय। आपकी बहन का नाम? वंदना। वंदना वंदना जी चलता हूँ। हाँ बाय अभिनव जी। चलता है। ठीक से बैठिए अंकल नहीं तो गिर जाएंगे। दीदी हाँ जरा यहाँ आना। एक मिनट पापा। दीदी पापा को अभी पसंद आया नहीं पता करो ना। अभी नहीं बाद में पूछती हूँ। नो 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 मेरी अच्छी दीदी पूछो ना। ओके पापा लड़का कैसा लगा आपको? तुमने जितना जल्दी फैसला किया है उतना जल्दी फैसला मैं नहीं ले सकता। हे हे अंकल हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नॉट सी यू। सी यू टुनाइट। ये कौन है बेटी जो हमारे घर में घूम रहा है? आपके दामाद है पापा। जस्ट अ मिनट। हेलो। हाय महेश आज इतने दिन बाद कैसे कॉल किया? बिजी थी इसलिए इतने दिन से आंसर नहीं कर पाई। तुम भले ही बिजी थी लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम्हें कॉल किया। पता है क्यों? तुम्हारे फोन पे जब रिंग जाती है तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ FB पे तुम्हारी फोटोज बहुत ढूंढी मैंने लेकिन कम से कम तुम्हारा नाम तो मालूम होता। मिलने का मन है क्या महेश? मरने से पहले कम से कम एक बार तुम्हें देख लूं। देखोगे तो मर जाओगे। इतनी सुंदर दिखती हो क्या? देखोगे क्या? आओगी क्या? अभी नहीं कल आऊंगी तुम्हें रंग लगाने के लिए। रंग? ओ कल होली है ना। असल में तुमसे जब से पहचान हुई तो मैं हॉलीडे क्या हॉलीडे भी भूल गया हूँ। महेश जब तुम ऐसी बातें करते हो तो कैसे लगते हो पता है? कैसा? हेलो जवा और अंकल मिराकल मीटिंग। हेलो महेश गुड नाइट अर्जेंट। क्रॉस कनेक्शन है क्या? हाँ सर 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 थैंक यू सर। हेलो हेलो मम्मी उठ रही है शायद। मेरी बीबी ऑलरेडी उठ गई है। कवर किया? उसने ही मुझे स्वेटर से कवर किया। वैसे तुम पूछ रही थी ना कि मैं किसकी तरह लगता हूँ किसकी तरह? तुम ना वो बिल्कुल हीरो की तरह लगते हो।
कमन 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 भैया, अंदर कोई है क्या? कोई भी नहीं है। ओके, तो फिर दो दे दो, दो दो टिकट दो। अरे जल्दी दो, जल्दी है दो। लो। अरे भाई सुन बे, तेरी तो आओ। असल में मैं तुम्हें ये फिल्म क्यों दिखाने लाया हूँ पता है क्या? यूथ को खराब करने में फिल्म ही जिम्मेदार है। और तुम्हें पता है फिल्म में हॉट सीन होते हैं जिसके कारण यूथ बिगड़ रहा है। हीरो को हीरोइन को टच करने का कोई सीन ही नहीं होना चाहिए। वैसे तुम्हारे हाथ पे हाथ रख लूं क्या? असल में लड़के लड़कियां फिल्म देखने आते ही क्यों हैं तुम्हें पता है? फिल्म एंजॉय करने के लिए नहीं, अपना एंजॉय करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां जो फर्स्ट नाइट में करना चाहिए वो फर्स्ट शो में कर लेते हैं। तुम्हारे कंधे पे हाथ रख सकता हूँ क्या? अरे फिल्म में लिप किस क्यों? मुंह से मुंह लगाना कोई एक्टिंग है क्या? ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें चूम सकता हूँ क्या? हाय माय डियर फ्रेंड, ये अट्रे जो तू है मैं हूँ। हेलो नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। अरे पीछे हटिए, मेरी फिल्म को हिट कराने वाली ये ऑडियंस है, मेरे दोस्त हैं। ये हमारी फिल्म आने वाली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। चल, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। ऐसे ही प्यार देते रहिए, इससे भी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में देता रहूंगा। क्या रे ये अभी हटना रे? सर आपके फैंस गाना सुनने के लिए कह रहे हैं। ओवर स्पीड से भी ऊपर जा रही है। सच में बोल दू क्या? चल हट। देखिए मैं आपके साथ एक विषय पर बात करने के लिए आया हूँ। मैं बोलूंगा तो एक भी शब्द आपको समझ में नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो? मोदापुर मोदापुर मोदापुर। कृपया करके हमारी फिल्म की पायरेसी मत कीजिए। डोंट इंक्रेज पायरेसी। अब हमारी हीरोइन आपसे दो बात करेगी। लो डार्लिंग। सबको मेरा नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे अपॉर्चुनिटी देने वाले डायरेक्टर सर का, प्रोड्यूसर सर का और मेकअप सर का, सबके नाम बोल, वॉचमैन का भी नाम बोल, मेरा भी नाम बोल, और सभी ऑडियंस का धन्यवाद। चलो यहाँ से, क्या है यहाँ पे? इसकी तो मैं खराब करके रख दिया यार। ये तो टू मच है, मुझे देखते ही तुम्हारे पापा दामाद जी कह के चिल्लाएंगे, मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगा था। सो तुम्हारी बाहर मार्केट नहीं है ना? हीरो मटेरियल हूँ मैं। इधर भी हीरोइन ही है। हीरोइन हूँ इसीलिए तो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ मैं। हेलो, तुम्हें अकल बकल है कि नहीं? ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे जहाँ देखो तुम ही लोग दिखते हो, पार्क में, बस में, गाड़ी में, हर जगह। तुम लोग चिल्ड्रंस पार्क को भी छोड़ोगे या नहीं? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है इसीलिए आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ मैं। गेट आउट फ्रॉम हियर। बच्चे खेल रहे हैं, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या आपको? बच्चे आते हैं और पूछते हैं मामा वो दोनों क्या कर रहे हैं, तुम ही लोग बताओ उन्हें क्या जवाब दूँ? हाँ माइंड योर लैंग्वेज, जस्ट शट अप एंड गेट आउट। लवर्स पार्क होते हैं वहाँ जाकर बैठो, वहाँ देखो, देखो जरा उन्हें, उस चिंपैंजी को देखो, यहाँ उसे आने की क्या जरूरत है? किसी जू के जगह पे चिल्ड्रन पार्क में आ गया है। अब तुम लोग उठोगे या मैं पुलिस कंप्लेन करूँ? मैं कब से देखे जा रही हूँ आपको, बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। मेरे सामने उंगली दिखाकर बात कर रही हो? मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? जो भी हो मुझे क्या? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अरे जो भी हो मैं कौन हूँ तुम जानती नहीं हो अभी? अच्छा कौन है? इसकी बड़ी बहन हूँ। हाँ इसकी इकलौती बहन हूँ।
This is cheating. क्या बात है भाई, भाभी तो बेहद खूबसूरत है। Congratulations. क्यों, आंटी पसंद आई ना? ये नई आंटी है ना? नई आंटी मत बोलो, वरना पुरानी कहाँ है पूछेगी। चलो चलते हैं। चलो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। बाकी सब तो ठीक है, पर मैं डैडी के बारे में सोच रही हूँ। आपके डैडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? बहुत स्ट्रिक्ट हैं क्या? नहीं, वैसे तो नहीं है। तो फिर? बहुत ही हाइपर हैं। मेरे पापा जैसे ही सीन में एंटर होंगे ना, हम सबको साइलेंट होना पड़ेगा। खैर वो सब छोड़ो, हम दोनों को ही देख लो। हम ऐसे हैं तो हमारे पापा कैसे होंगे? सोचो वो हमारे पापा हैं। वही कैसे होंगे? मेरे पापा ऐसा सोचते हैं कि सब उनके हिसाब से हो, उन्हें सब पता होना चाहिए और हमसे रिलेटेड सारी बातें उनको हमसे पहले पता होनी चाहिए। अब हमें ही कोई चीज नहीं पता होगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ सही कहा, मुझे ही देख लो, 4 साल पहले शादी हुई थी मेरी, लव मैरिज, और वो भी डॉक्टर है। उनके घर वाले राजी नहीं थे, इसीलिए हमें मंदिर में शादी करनी पड़ी। बस इसीलिए डैडी को कन्विंस करने में पूरे 2 साल लग गए। हाँ तो चलो मिलवाता हूँ तुम्हें अपने पापा से। पापा, दीदी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं होगी अच्छी, बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। बड़ों के खिलाफ जाके शादी करोगे तो कहाँ से अच्छी होगी? लेकिन उन्हें अफसोस हो रहा है पापा। अफसोस हो रहा है तो क्या है, माँ नहीं थी, बाप भी नहीं था क्या है? जीजा जी उन्हें मारते भी हैं। ऐसे कैसे मार रहा है, किस लिए मार रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों की तो आपस में बहुत अच्छी बनती है ना? हाँ सुबह तो वो आपको गालियाँ भी दे रहे थे। रुक, एक लड़की का बाप कैसा होता है अभी दिखाता हूँ उसे। चलिए आज उसे बताता हूँ, चल। दीदी। हाँ बोलो अभी। 2 साल से जिसका सपना देख रही थी आज पूरा होने वाला है वो। मैं पापा को लेके आ रहा हूँ, आज सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तुम्हारी जीजू को मैं संभाल लूंगी, तुम आ जाओ। What is this? It's embarrassing. सब कुछ बताने का टाइम नहीं है, लेकिन आप एक बेवड़े इंसान हैं। क्या कहा? बेवड़े इंसान। What is this nonsense? सुनिए जी, जस्ट कैरेक्टर की डिमांड है। आप मुझे रोज पीकर मारते हो और आज मेरे पापा आकर मुझे बचाएंगे। फिर से बोलना। मतलब मेरे पापा की अटेंशन पाने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। हाउ क्या ना है? लगता है पापा आ गए। यही घर है? हाँ, हाँ। पापा वो क्या, वो लोग शायद अभी भी झगड़ रहे हैं। चल। अरे बहुत सिंपल है, तुम्हें बस एक्टिंग करनी है। यू इडियट, यू इरिस्पॉन्सिबल। तुम कर लोगे ना? आई डोंट नो। मुझे मारो, जल्दी करो। तुम्हें मारूं? हे भगवान, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तेरी तो क्या किया रही है, क्या किया, क्या किया, क्या किया? जिस लड़की से प्यार करता है उसे भगा कर ले गया ऐसे मारने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पर हाथ उठाने की? मुझे छोड़ दीजिए। नहीं पापा, नहीं पापा, पापा। देख तू उसे मार रहा है ना, फिर भी वो तुझे मार खाने से बचा रही है, ये होती है बीवी। तेरी तो Somebody save me. गलत है बेटा, एक तो तुम लोगों ने लव मैरिज की, ऐसे में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो हम बड़े बैठे हैं ना। पापा ये हमारी बेटी है। बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है ना गुड़िया रानी। मतलब नाना जी और आपको मैंने ही मिलाया मम्मी? हाँ बेटा, इसीलिए तो तुम हमारी लाडली हो। फिर हमें कौन मिलाएगा? दीदी को तो मिनी ने मिलवा दिया, लेकिन तुमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो फिर क्या करने की सोच रहे हो? कुछ कहूँगा तो इमोशनल हो जाएंगे, इमोशन ज्यादा हुआ तो मेडिटेशन करने लगेंगे। सोचता हूँ कुछ। मैं टूरिस्ट गाइड जैसा दिख रहा हूँ ना? चश्मा लगाता हूँ। अच्छा सुनो सुनो, मुझे किस दो की क्या भीख मांग रहा हूँ ऐसा लग रहा है। माय डियर मिस, आई वॉन्ट अ किस बट विदाउट मिस। छे, ये तो सुहाना स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स की तरह है, राइमिंग कर दी ना एकदम क्लियरली। ठीक है अपने ही फ्लो में चलता हूँ। जय कबीर सिंह। हाय महेश। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड।
तुमसे कुछ पूछने के लिए सोच रहा था। ओके हाँ कहोगी तो 30-40 भी पूछूंगा। वो मुझे एक चुम्मा चाहिए। आई वॉन्ट टू किस। क्या? मना मत करना, फोन पे ही दे दो प्लीज प्लीज। यू नॉटी, यहाँ मम्मी है, तुम ही दो ना। ओके ओके, वन मिनट। थैंक यू थैंक यू। इलायची फ्लेवर। क्या हुआ महेश, रिहर्सल कर रहे हो क्या? हेलो। अरे अभी मेरे जीजू की हरकतें मैं नहीं देख पा रही हूँ यार। क्यों, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, क्या क्या बताऊं मैं? ऑडियो कुछ और चल रहा है, वीडियो कुछ और चल रहा है। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन उस कॉल गर्ल को कट करना होगा। ए, वो कॉल गर्ल नहीं है, कॉलेज गर्ल है, मेरी दोस्त है। हाँ वही ना, कॉल करने वाली गर्ल। हम दोनों मिल गए ना, अब बीच में इस ड्रामे की क्या जरूरत? तुम्हारे जीजू उसके प्यार में डीपली डूब गए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया छोड़ के निकल देंगे। इस बारे में कुछ सोचता हूँ मैं, रुको। हाँ बोलो बेबी। डैडी का कॉल आ रहा है, मैं 10 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। 10 मिनट क्या, 10 दिन ले लो। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा वेट करता रहूंगा। हे जीजा जी क्या कह रहे हैं? वो तो तलाक दे देंगे कह रहे हैं। अरे बाप रे, उन्हें ये सब करने के लिए मना करो और बोलो कि कल मिलती हूँ। ओके डन, सॉरी महेश। हे, और कितनी देर मुझे होल्ड पे रखोगी? मैं भी यही सोच रही हूँ, ऐसे एयरटेल वालों को, आइडिया वालों को बेकार में चुप्पी क्यों दूँ? डायरेक्टली दे दूंगी ना, लिप टू लिप। तुम अपने होठों से मुझे किस करोगी? सच में करोगी ना? तुम्हें कल मिलती हूँ। मैं इतनी देर तक वेट नहीं कर सकता। मैं कल ही तुम्हें मिलकर के चुम्मा दूंगी पार्क में, यही। ये नॉटी, कल तुम्हें बताता हूँ कहाँ लूंगा। वो देखो वो पेड़ ऐसे क्यों हिल रहा है पता है? अरे और कितनी देर बैठे रहोगे, सुबह जॉगिंग करने के लिए आए थे वो भी चले गए, और एक तुम हो जो मुझे सनी लियोने की मूवी दिखा रहे हो। और उधर देखो उस वाले पेड़ को। तुम्हारे आड़ में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। सुबह जॉगिंग करने वालों के साथ आए थे, आज मेरी आड़ में बैठे हैं। वो तो सारे रात को ही सिक्योरिटी से सेटिंग करके आ गए थे मुए, और क्या क्या बताऊं तुम्हें। यहाँ पे ये हाल है तो गांव के पेड़ों का क्या हाल होगा? ऑक्सीजन लेने वाली जगह पर अश्लीलता बढ़ रही है, क्या करें। हेलो। हाय महेश। हाय डार्लिंग, तुम कैसी दिखती हो ये सोच के मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है पता है क्या? ये तो बताओ तुम कहाँ हो, कैसी ड्रेस पहनी है तुमने? तुम बताओ। ब्राउन वाली क्या? ढूंढो मुझे। नहीं क्या, ब्राउन वाली नहीं हो क्या? ओके ओके, लाइट ब्लू वाली हो क्या? नहीं। तो फिर कौन सा कलर? ए पिंकी, पिंक वाली हो क्या? नो महेश, पिंक मुझे सूट नहीं करता। पिंक नहीं है क्या? ए ब्लू है क्या? यस। पता है ब्लू में हो ना, आ गया आ गया। यू आर राइट। क्या है? ब्लू नहीं है क्या? ब्लू एंड ग्रीन। ये लड़की वैसे भी इतनी खास नहीं है। देख लिया महेश, तुम बिल्कुल मेरी नजरों के सामने हो। पेड़ के नीचे जो है वो तुम ही हो क्या? एग्जैक्टली। वाओ, आ रहा हूँ मैं, काट लूंगा। काट लूंगा। काटू महेश, काटू की कहा था ना तुमने, काटो ना। काटूंगा नहीं, भागूंगा। आओ महेश, एक हक तो दे दो मुझे। मेरा दिमाग खराब है, तुम्हें हक करूंगा, चल निकल। फोन पे कोयल जैसी है पर असल में कौवे जैसी हो। काटूंगी कहा था ना। सामने नहीं दूंगा महेश। लोरी के नीचे नींबू की तरफ पीछे जाना मंजूर है, पर मेरे पास बताओ, पास बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे अपनी बाहों में संभालो महेश। मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। हे भगवान, कहां फंस गया के? ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा, अब उसी के पास जाता हूँ। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। कम अभी ये होती है सुंदरता की पावर।
अगर ये लड़की खूबसूरत होती ना तो तुम्हारे जीजू उसके पीछे घूमते रहते। अब जीजू उस लड़की को कॉल नहीं करेंगे ना? उस लड़की को क्या, लाइफ में किसी लड़की को कॉल नहीं करेंगे। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हो गई समझ लो, पर एक दो दिन थोड़े डिप्रेशन में रहेंगे, कहीं कोई शॉक वॉक ना लगा ले, इस बात का ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलती हूँ। अरे थोड़ी देर और बैठो ना। क्या है अभी, तुम भी ना। hey, जब भी तुम लड़कियाँ बाहर आती हो तो चलती हूँ का रिंगटोन सेट करके आती हो क्या? यहाँ पार्क में मैं बस सबको रोमांस करते हुए देखती रहूँ क्या? बेसिकली तुम लड़कियाँ किस तरह की होती हो पता है? तुम लोग ये सोचती हो कि लड़के कुछ करेंगे तो मजा आएगा, लेकिन बाहर तो ऐसे दिखाती हो जैसे सती सावित्री हो। दूसरी लड़कियों को छोड़ दो, मेरे बारे में क्या सोचते हो तुम? मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें क्या लगता है तुमसे मिलना होता है तो रात भर रिहर्सल करता हूँ क्या मैं? मतलब तुम्हारे मन में ये सब है, मैं तुम्हारे लिए टेकन फॉर ग्रांटेड हूँ, कुछ भी कर सकते हो क्या? कुछ ऐसा ही सोच लो। तुम लड़कों का दिमाग कैसा होता है देख लिया। तुम लड़कियाँ कैसी होती हो मुझे नहीं पता है क्या? सब कुछ हम लड़के ही करते हैं, तुम तो कभी भी हमारे ऊपर कोई भी ब्लेम लगा देती हो। अच्छे से प्रिपेयर होके आए हो लगता है, क्यों छोड़ देने का इरादा है क्या? हेलो, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम कभी भी कर सकती हो। आर यू फ्री? थैंक यू, ग्रेट ग्रेट लवर, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, किस बात का झगड़ा चल रहा है भाई? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के बात करो। बेटी एक मिनट रुको। ए, कौन है वो लड़की? तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है, कुछ बताते ही नहीं हो। ठीक है चलो दीदी के पास। पापा कॉफी। क्या है बेटा, पार्क में पता नहीं किस लड़की से झगड़ा कर रहा था? ये तो अच्छा हुआ कि मैं पहुंच गया, अभी जाकर उस लड़की का फोन नंबर लेकर आओ, कल ही हम उसके घर बात करने के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही सोच लो। तू मत जा, मत जा तू, हम लोग ही जाएंगे। अरे कोई बात है तो पेरेंट्स को बतानी चाहिए ना, बाइक में पेट्रोल नहीं होता तो बताते हो ना, वैसे ही बाइक पे पीछे बैठने वाली लड़की के बारे में नहीं बताओगे? ए अभी, अब पापा को तुम्हारे लव के बारे में पता चल गया, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व समझो। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अच्छा वो कैसे? कुछ नहीं दीदी, मैंने उसका भाव बढ़ा दिया है। अरे फोन यहाँ कैसे? मैनेजर का कॉल है, लीजिए बात कीजिए। थैंक यू। हेलो, हाय महेश, हाउ आर यू? मेरा नाम महेश नहीं है, महेश्वर राव है। मुझ पर गुस्सा कर रहे हो क्या? पसंद नहीं आई क्या मैं तुम्हें? क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, मेरी शादी हो गई है समझी तुम? एक ही बार तो हुई है ना, ऊपर से गुलाब जामुन भी नहीं बचे थे। वो एनिवर्सरी पे रखा था, अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं अपनी बीवी को फोन दे दूंगा। तो फिर देर किस बात की है, दे दो, मैं खुद ही बात कर लूंगी। नमस्कार, आपने जिस नंबर पे कॉल किया वो अभी हाल में उपलब्ध है, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये बंद होने वाला है, क्योंकि ये सिम फोन से निकाल के इसे पकड़ से पकड़ के आप दोबारा कॉल ना कर सको, इसलिए मैं इसे जलाने जा रहा हूँ। आप दोबारा कॉल करेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। तेरी तो क्या हुआ जी? सिम कार्ड क्यों जला रहे हो? वो बिल ज्यादा आ गया। बिल ज्यादा आ गया तो क्या हो गया? बिल बची, जाओ जाओ जाओ। बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। उनकी जोड़ी जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सलीम क्या नाम है बेटी उसका, अनारकली। इतना गहरा प्यार, पर प्यार करने वालों में झगड़ा तो होता ही है ना, जैसे हमने नहीं किया। क्यों बताइए भाई साहब, आपने नहीं किया क्या? देखिए भाई साहब, बिल्कुल सच बताइएगा। हाँ? अपने दामाद को ही देखिए, आपकी बेटी से कितना प्यार करता है, मंदिर में भगवान की इतनी फोटो नहीं होती। कलरफुल पंछी के साथ कलरफुल फोटो खिंचवाने की इच्छा किसकी नहीं होती, पर अक्सर वो पंछी उड़ ही जाते हैं, दिल टूट ही जाता है। जवान बच्चों में झगड़ा तो होता ही है, पर हमें उन्हें मिलाना चाहिए। मैंने अपने बेटी दामाद के झगड़े में इन दोनों को मिलाया था, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलने के लिए बचा ही क्या है, कुछ भी कह सकते हैं। दूध पतीले से बाहर ना गिरे इसलिए गैस को ऑफ ही रखते हैं, लेकिन अगर गैस ऑन ही ना करे तो दूध बाहर कैसे गिरेगा? हम जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो नहीं सोचते वो हो जाता है।
सोचेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? अगर हम नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा? है? अंकल बहुत क्लोज है दोनों एक दूसरे के। कल पार्क में पापा ने दोनों का झगड़ा देखा। मेरा भाई भी कुछ नहीं बता रहा है, आप थोड़ा इन्वॉल्व होंगे तो। मुझे पता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आप ही बताइए। जिसे कैडबरी समझो वो भी बिस्किट निकल रहा है। एक बार अपनी आंखों से देखने के बाद ही कंफर्म करना चाहिए। मतलब पापा ये कहना चाह रहे हैं कि हमें उन्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए बस। बेटी ये हमारे घर की प्रॉब्लम है, हमें किसी पड़ोसी की तरफ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारी फैमिली है, हमें फोर्स करना चाहिए। क्यों आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बात करने में क्या है? बात तो किसी भी तरह कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात करने से वर्कआउट होगा क्या? नहीं होगा। मैं बात करूंगा। बेटी वंदना, मैं अभी का बाप हूँ, आओ बैठो बेटा। अब बात करने के लिए कुछ नहीं है, इट्स ओवर। वंदना भाई साहब रोकिए उसे। मत रोकिए सर, फोन में सब फेक होता है, असलियत में क्या होता है ये पार्क में ही पता चलता है, पता लगने दीजिए उन्हें। भाई भाभी आ रही है, तुम्हें ही देख रही है भाई। ए अब भाई का कमाल देख तू। प्यार में फंसा के पकड़ूंगा सोचा था, लेकिन आज रास्ते में ही पकड़ना पड़ रहा है तुम्हें। हाँ चल चल, दिखाता हूँ तेरे को, चल चल, बराबर ज़ूम करके लेना भाई। अब देता हूँ लिप टू लिप लाइट। ठीक है भाई। आजा तुझे मजा दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। अबे पीछे कौन आ रहा है बे? भाई लगता है पीछे भाभी का बॉयफ्रेंड आ रहा है। कट्टी महेश हूँ, कॉर्पोरेट का भाई हूँ। आज मैंने रेड कुर्ता क्यों पहना पता है क्या तुझे? जिस दिन रेड कुर्ता पहनता हूँ उस दिन सामने वाले का खून बहा के दम लेता हूँ। अरे भाग क्यों रहे हो बे? भाई आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाना है, हम लोग कार में मिलते हैं, चलता हूँ भाई। मैं तो फालतू नहीं हूँ, मुझे भी एड्रेस चेंज करवाना है, चलता हूँ भाई। मारो मत भाई, मत मारो। अरे मैं कॉर्पोरेटर का कजन हूँ। मुझ पे हाथ उठाया ना तूने? मेरा भाई गांव से वापस आ गया है, अब तू देख तेरा गला कट के ही रहेगा। आजा भाई, समझ ले, तू संभल के रहना। इट्स ओवर कहा था, अब झूठी हमदर्दी मत जताना। एक बार ओवर बोल दिया तो ओवर, बस बहुत हो गया। मैंने एक फैसला लिया है कि मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन शहर छोड़ने की क्या जरूरत है? अब इस बात का क्या जवाब दूं तुम्हें? ये पार्क देखता हूँ तो यहाँ तुम्हारी याद आती है, कॉलेज देखता हूँ तो वहाँ तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी यादों ने मुझे परेशान करके रख दिया है, तुम्हारी यादों को मैं किसी तरह से भुलाना चाहता हूँ। उन मेमोरीज को ही फीलिंग्स कहते हैं और उस फीलिंग्स को ही लव कहते हैं, जिससे प्यार करते हो उससे दूर जाने पर महसूस होने वाली फीलिंग्स। चार महीने अगर किसी जानवर के साथ रहो ना तो उससे भी अटैचमेंट हो जाता है, फीलिंग इमोशंस उस जानवर के साथ भी हो जाता है। लड़की के दिल को समझने वाला मर्द अब तक पैदा नहीं हुआ, ना फ्यूचर में पैदा होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं समझूंगी, ऐसा सोचा था पर तुम्हें समझ गई। अब ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सब खत्म हो गया, इट्स ओवर। वंदना खुद को संभाल, कितने दिन ऐसे ही बैठी रहेगी? मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? कब तक इस तरह से बैठ के रोती रहेगी तू? एक बार आईने में जाके अपनी शक्ल देख, वो तो बड़ी आसानी से भूल गया, लेकिन तू तो नहीं भुला पा रही है ना उसे? ऐसा कोई काम ही नहीं किया उसने जो भुला सकूं। क्या कह रही है तू? सुंदरता ही इम्पोर्टेंट है, सुंदरता ही इम्पोर्टेंट है, ये कहकर उसने पहले ही सब क्लियर कर दिया था। मैं ही पागल हूँ जो उसे समझ नहीं पाई। क्या हुआ बता? एक दिन जब आप और जीजू काम से गांव गए थे, तब वो घर पर आया था। आप भी? दीदी और जीजू दोनों गए ये कैजुअली कहा तो डायरेक्ट घर आ जाओगे? वैसे आज काफी खूबसूरत लग रही हो।
कितनी? किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं। थैंक यू। कॉफी? हाँ मैं भी आता हूँ। तुम्हें कॉफी बनानी आती है? नहीं पीनी आती है। क्या बात है, तुम्हें बनाना आता है? अरे बनाओ बनाओ। नो, वो प्लास्टिक एप्पल है। अरे पता है मुझे, वो तो ऐसे ही ले लिया। इट विल टेक टाइम। चलो चलो। वैसे घर काफी अच्छा है। शादी के बाद हमारा भी ऐसा ही घर होगा जिसमें मैं और तुम खुशी से रहेंगे, है ना? इट्स एन ऑसम फीलिंग। वैसे मजा आ रहा है आज यहाँ। हमारा घर भी ऐसा ही होगा जिसमें मैं और तुम रहेंगे, जिसे हम अपना कह सकेंगे। उसमें इतनी फोटोज तो नहीं होंगी, लेकिन एक चीज जरूर होगी, एक फोटो मेरे दिल में होगी। मेरा ये सपना आखिर सच कब होगा? काश जल्दी पूरा हो जाए। मुझे तो ये सोच के ही बहुत मजा आ रहा है। कब हम साथ में होंगे, क्या लवली फीलिंग रहेगी ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज मेरी फीलिंग बहुत उबाल मार रही है। वहां स्टोव के ऊपर दूध उबल रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ दीदी? अभी के जाने के बाद मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, सच में कुछ नहीं बचा। I lost everything। देख तू रो मत, कुछ ना कुछ करते हैं। मैं उससे बात करती हूँ ना। नंबर भी बंद कर दिया है। He's a cheater। उसकी बहन का नंबर है क्या तेरे पास? संध्या, मैं वंदना की बहन बोल रही हूँ। तुम हमारे घर आ सकती हो? कुछ अर्जेंट बात करनी थी। वंदना, वंदना। देखो इसको, कैसी थी और कैसी हो गई है, तुम भी नहीं पहचान पा रही होगी। कम से कम तुम अपने भाई से तो बात कर सकती हो। मेरी बहन की ये हालत मैं देख नहीं पा रही हूँ। और क्या क्या कहोगी दीदी? उसे जो करना था करके भाग गया। उसके कॉल, उसके मैसेजेस आने का पागलों की तरह वेट कर रही हूँ मैं। कॉल हुआ तो उसने ही किया होगा, ये सोचकर मेरी धड़कनें बढ़ जाती है, परेशान हो जाती हूँ मैं। मोबाइल से उसकी फोटोज डिलीट कर सकती हूँ, पर दिल से कैसे डिलीट करूंगी उसे? कैलेंडर में डेट देखती हूँ तो इस दिन मिले थे याद आता है। घड़ी में टाइम देखती हूँ तो इस टाइम पे बात की थी याद आता है मुझे। कितना भूलने की कोशिश की फिर भी वही याद आता है। प्लीज आपके पैर पड़ती हूँ, वो कहाँ है मुझे बताइए। अभी आपको देख रही हूँ फिर भी आपका भाई याद आ रहा है। इसकी लाइफ स्पॉइल हो गई है और किस तरह से रो रही है, तुम कुछ सुन नहीं पा रही हो क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? सॉरी सॉरी, पर उसने झगड़ा क्यों किया? मुझे कहानी कुछ समझ नहीं आई, थोड़ा डिटेल में बताओ ना। देखो तुम किसी भी बात की टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। बताओ वंदना,
आपका भाई एक फ्रॉड है, चीटर है। क्या कहा? स्काउंडरल। लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाला रास्कल है। सिर्फ आपका भाई ही नहीं, आपका पूरा परिवार है। तुम्हें पता भी है सच क्या है? मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। क्या से क्या हो गया ना दीदी, बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंसा हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कितनी मेहनत की है दीदी, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, ऑलमोस्ट इंटरव्यू भी हो गया है। एक साल, बस एक साल की ट्रेनिंग है। वंदना, वंदना को छोड़ के नहीं जा सकता दीदी। उसे छोड़ना आसान नहीं, और ना ही गोल छोड़ सकता हूँ। इसके अलावा मैं कोई दूसरी जॉब भी नहीं कर सकता हूँ। माँ कहती थी मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, ये माँ की इच्छा है। कहाँ से आ जाती हैं बीच में लड़कियाँ। अभी यही लाइफ है, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। करियर और लव, इसे कोई भी मर्द बैलेंस नहीं कर सकता। तो अब तुमने क्या सोचा है? चला जाऊंगा, वो भी उसे बिना बताए। उसे बिना बताए क्यों जाना है, बताकर भी जा सकते हो। बता के जाऊंगा तो क्या होगा, 24 घंटे हम फोन पे बातें करते रहेंगे। वो मुझे संडे मिलने आएगी, मंडे मैं उसके साथ चला जाऊंगा। इसी तरह पूरा एक साल निकल जाएगा। अगर उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहूंगा तो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए उसके साथ टोटल कॉन्टैक्ट खत्म करना होगा। इसीलिए मैंने उससे झगड़ा कर लिया। तुमने झगड़ा क्यों किया? अगर झगड़ा करके जाऊंगा तभी दूरी बढ़ेगी और रिलेशनशिप और अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, गालियां देगी। लेकिन जब एक साल बाद उसके सामने जाके एस अभिनव आईएएस इंट्रोडक्शन दूंगा तो एक अलग ही बात होगी। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कैसे रिएक्ट करेगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, और कुछ हुआ तो आप है ना। वंदना, वंदना आंखें खोलो। वंदना तुमने जहर पी लिया है क्या? वंदना, हेलो हेलो हेलो, राजा राजा राजा, थैंक यू वेरी मच। हैं, अगर आपने हेल्प नहीं की होती तो आज मैं हैदराबाद नहीं पहुंच पाता। अरे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं राजा। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स क्या है जरा ये तो बताओ, आगे क्या होने वाला है? ये तो मुझे भी नहीं पता सर। अरे तो भी बताओ, मेरा राइटर राइटिंग में बहुत वीक है भाई, वो ऐसे नहीं लिख पाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ क्या? जल्दी बोलो, आ सकता हूँ क्या? चलो 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 चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्लाइमैक्स लिखना आ रहे भाई, आ रहे क्लाइमैक्स लिखना, आ रहे आ रहे, रुक जा। जाएगा हमें बिल्कुल नहीं सोचा था। उठो, मैं 3 महीने दिखा नहीं तो तुमने जान दे दी।
मैं तुमसे दूर गया ही कहा। मैं तुमसे दूर नहीं था, तुमसे 3 महीने नहीं बर्दाश्त हुआ। कितने सपने देखे थे, हमारे बुढ़ापे तक की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन ये क्या किया, क्यों किया ऐसा तुमने? मैं तो सरप्राइज देने वाला था कि मैं आईएस अभिनव हूं, लेकिन तुम हिम्मत हार गई। ऐसे कैसे तुम हिम्मत हार सकती है, इतना तो मेरी माँ ने भी नहीं रुलाया मुझे। वंदना प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, प्लीज वंदना उठ जाओ, प्लीज वंदना मेरे लिए, वंदना उठ जाओ ना, मुझसे नाराज हो तो मुझे डांट लो, लेकिन ऐसे नाराज मत रहो। तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं, नहीं, नहीं। तुम नहीं तो मैं नहीं वंदना, मैं भी नहीं, अगर तुम नहीं तो मैं जी के क्या करूंगा वंदना। वंदना उठो, आंखें खोलो, तुमने जहर पी लिया है क्या? वंदना, वंदना। बहुत थकान हो रही थी इसलिए बूस्ट पी लिया था। हाँ, अरे पापा को किसने यहाँ बुलाया? ड्रामा सिर्फ आपके भाई को आता है, मुझे भी आता है। मैं सीरियस हूँ, मरने जा रही हूँ, अगर किसी को बताया तो आप दोनों को मेरी कसम है। अर्जेंटली उसे बुलाइए। अरे क्या हुआ मेरी बहू को? पापा जल्दी कीजिए, एम्बुलेंस को बुलाइए। हेलो एम्बुलेंस। छोड़कर क्यों चले गए थे? क्यों गए थे? हाँ चले जाओ, नहीं जाओगे फिर कभी? कभी छोड़ के जाओगे? बताओ मुझे, मुझे छोड़कर जाने के लिए हिम्मत कहाँ से आई तुम में? तुम चाहे कलेक्टर बनो, कंडक्टर बनो, मुझे उससे क्या? इट्स ओवर कहा तो इतनी छोटी सी बात के लिए सच में छोड़कर चले गए? कितना टॉर्चर किया है तुमने मुझे अभिनव, तुम्हारे बिना ये दिन कैसे बिताए तुम्हें पता है? तुम्हारी हंसी याद करती थी तो रोना आता था, तुम्हारी बातें याद करती थी तो दुख होता था। तुम्हारे बिना इतने दिन आई हेट यू। राजा, पहले तो क्लाइमेक्स देखकर लगा कि ये फिल्म भी गई बंटा धार, पर एक बार मुझे फिर एक नया मौका मिलेगा अच्छी फिल्म बनाने का। सुपर राजा, सुपर। ए मेरे सीनियर सर है, बिहेव योरसेल्फ। इनके हस्बैंड आप ही हैं क्या? हाँ। कॉन्ग्रेट्स, आप बाप बनने वाले हैं। मतलब अब मुझे शादी करनी होगी? मतलब अभी शादी नहीं हुई क्या? आराम से ऊंची आवाज में मत बोलिए, उसने मारा तो कोई बात नहीं, बाहर सुन लिया तो सब मिलके मारेंगे मुझे। चलिए कोने में बात करते हैं। जीजा जी, एक लड़की आपको बहुत डिस्टर्ब करती थी सुना? वो बात याद करके क्या फायदा, वो एपिसोड तो कब का खत्म हो चुका है। दरअसल उस एपिसोड का डायरेक्टर मैं हूँ। सर आप क्रेजी क्रेजी फिल्म के डायरेक्टर है ना? हाँ राजा। हाँ, कॉन्ग्रेट सर, आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है। थैंक यू राजा। सर आपके साथ एक सेल्फी। यहाँ पर सेल्फी? सर सेलिब्रिटी जहाँ भी दिखे उसके साथ सेल्फी ले ही लेनी चाहिए।